हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं शालिनी आपके अपनी साइंस फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपका बिहार अडर ट्वेंटी फोर सेवन के पेड चैनल पे तो जैसा कि हम लोग वापस पिछली क्लास में साइंस पढ़ रहे थे तो वापस से उसी को कंटिन्यू करेंगे एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चों को और ज्वाइन इन होने के लिए उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद होगी कि जहाँ हमने अपनी क्लास छोड़ी थी पिछली बार मैटर चैप्टर को हम पढ़ रहे थे वो मैटर चैप्टर आप लोगों ने पुराना सारा रिवाइज कर लिया होगा और उसके बाद ही आप इस क्लास में आए होंगे क्योंकि वो चैप्टर हमने आधा किया था तो उसको हम आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज मेटल एंड नॉन मेटल धातु और अधातु जहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे पीडीएफ की आप लोगों को प्रॉब्लम आती है देखो टेक्निकल टीम से मैं खाली कंप्लेंट कर सकती हूँ उसके आगे तो उनके हाथ में है ठीक है मैं बार बार वहां विजिट कर रही करी फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने क्लास से पहले भी पी अपलोड कर दी थी अगर वहां नहीं मिलती है तो जहां आपका चैट बॉक्स है जहां पे आप मुझे मैसेज कर पाते हैं वहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर की तरफ आप लोगों को दो पी मैंने पिन करके सबसे ऊपर लगा रखी है एक तो मैटर है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो कंप्लीट चैप्टर है और दूसरी पीडीएफ आपकी लगी हुई है किसकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दूसरी पीडीएफ आपकी लगी हुई है किसकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो कि हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे ठीक है एक दो बातें आप लोगों को बतानी थी पार्टिसिपेंट्स लगभग सारे जुड़ चुके हैं चलिए सो वेरी गुड इवनिंग टू गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा पहले तो क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि तुम सब लोग आ जाओ उसके बाद ही हम बात करें तो पहले तो अपॉलोजीज कि आप लोगों की लास्ट बहुत सारी क्लासेस नहीं हो पाई डियर कुछ चीजें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं मेरे अपने सगी ताऊ जी थे जो कि परसों एक्सपायर हो गए जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई हैं ठीक है थीके? तो इट वॉज अ वेरी हार्ड फॉर मी कि आज दूसरे दिन मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों के बीच दैट टू ओनली बिकॉज के आपका ट्वेंटी थर्ड को एग्जाम है ठीक है तो मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं काफी सारे मैसेजेस भी आए हैं काफी सारी मेल्स भी आई हैं लेकिन देखिए कुछ चीजें अपने हाथ में होती ही नहीं ना किसी का आना अपने हाथ में ना किसी का जाना अपने हाथ में है ठीक है तो एंड बींग मैरिड और घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मेरा वहा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था ठीक है तो ये एक ऐसी चीज थी विच वॉज कम्प्लीटली अनएवेबल तो यही रीजन है कि पिछले दो दिन आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई आज भी आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था ठीक है आज भी आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन बस आप लोगों के तेईस तारीख के एग्जाम के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ ठीक है इनफैक्ट अभी भी मेरा गला पूरा चोक हो रहा है आप लोगों से ये बात बोलते हुए भी मेरे अपने रियल फादर इन लॉ नहीं है सो आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम और अब वो भी नहीं है एनीवेज स्टार्ट करते हैं तो आई एम सॉरी तो आप लोगों की जो क्लास है ना ये 23 तारीख को क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है और सिलेबस हमारा काफी सारा बचा हुआ है तो बाकी सब्जेक्ट की कंपैरिजन में देखो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ओवरबर्डनड हो जाएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए ओवरबर्डनड हो जाएगा बट क्लासेस अब आप लोगों के डेली 23 जुलाई तक तीन घंटे की होगी ठीक है डेली आप लोगों की क्लास तीन घंटे तक होगी सुबह ये वाली क्लास आप लोगों की ग्यारह जैसे होती है वो से ना से ना एक हुआ करेगी सो अपू ट्वेंटी थर्ड जुलाई आप लोग ये कह सकते हो शेड्यूल ट्वेंटी थर्ड जुलाई जो कि आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट है मतलब जिस दिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम होगा तो 23 जुलाई तक आपकी जो क्लास होगी वो डेली थ्री, थ्री आवर्स की क्लास होगी आपकी जो क्लास होगी वो डेली थ्री आवर्स की क्लास होगी ठीक है इस थ्री आवर्स में से टू आवर्स की क्लास आप लोगों की मॉर्निंग में हुआ करेगी दो घंटे की क्लास आप लोगों की सुबह मॉर्निंग में हुआ करेगी 11 बजे से लेके एक बजे तक 11 बजे से लेके एक बजे तक और उसके बाद आप लोगों की एक घंटे की क्लास आप लोगों की एक घंटे की क्लास हुआ करेगी शाम को पांच बजे से छह बजे तक तो अब आप लोगों की दो टाइमिंग पे क्लास होगी और कोशिश यही की जाएगी कि आपका ट्वेंटी थर्ड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए ठीक है ठीक है चलिए हाँ श्रुति YouTube पे क्लास होगी YouTube से क्लास होगी YouTube पे आप लोगों की इसके अलावा अगर आप लोग YT पे भी मेरे साथ क्लास कर रहे हैं और YouTube पे अगर आप मेरे साथ PYQs कर रहे हो YouTube पे अगर आप मेरे साथ PYQs करना चाहते हो तो YouTube की क्लास शाम को छः से सात होती है तो ये क्लास भी होगी ये क्लास भी होगी और ये क्लास भी होगी ये पूरा शेड्यूल आपका ट्वेंटी जुलाई तक का है ठीक है फाइव पी एम पे ज्योग्राफी की क्लास है पांच बजे ज्योग्राफी की क्लास है ओके okay. मैं इसको देखती हूँ इसका कुछ करती हूँ ठीक है या तो मैं रिशेड्यूल कर दूंगी कोई और टाइम चेंज कर दूंगी या फिर ज्योग्राफी uh, वाले सर को बोल दूंगी कि वो टाइम चेंज कर दे ठीक है या तो मैं टाइम चेंज कर दूंगी ज्योग्रफी कौन पढ़ा रहा है हु इज टेकिंग योर ज्योग्रफी हु इज टेकिंग योर ज्योग्रफी जितेंद्र सर कौन ले रहा है आप लोगों की geography? केपी केपी से तो कौशलेंद्र प्रताप सर तो इकोनॉमिक्स लेते हैं बच्चा ये बिहार टेट की क्लास है हाँ हाँ ये टेट की ही क्लास है कौशलेंद्र सर लेते हैं ठीक है आई टॉक टू हिम और फिर मैं कुछ बैलेंस आउट करने की कोशिश करती हूँ ठीक है आई टॉक टू हिम और हम कुछ बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे ठीक है मैं कौशलेंद्र सर से बात कर लूंगी ठीक है चलिए वापस से जल्दी से क्योंकि हमें सिलेबस काफी सारा करना है ऑलरेडी हमारे सात मिनट जा चुके हैं एक बार मुझे ये कंफर्म कर दीजिए पीडीएफ दोनों आप लोगों को मिल चुकी है जहां आप लोग चैट कर रहे हैं वहां ऊपर है ठीक है पीडीएफ सबको मिल गई है पीडीएफ सबको मिल गई है सबको मिल गई है ठीक है हम अपना बचा हुआ मैटर का चैप्टर करते हैं और उसके बाद विल कंटिन्यू तो देखो मैटर के अंदर जो है हम लोगों ने काफी सारी चीजें कर ली थी हमने देखा था कि मैटर क्या होता है जिसका अपना खुद का मास हो और जो जगह घेरे यानी कि जिसका अपना खुद का आयतन हो ठीक है जिसका अपना खुद का आयतन हो उसके बाद फिर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी आप लोगों का बस इसके अंदर एक ही टॉपिक रह गया था ये स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके थे मेन बस आप लोगों का जो बचा था वो बचा था कि अगर इनका इंटर कन्वर्जन भी हमने देख लिया था कि फ्यूजन मेल्टिंग सब्लिमेशन वेपोराइजेशन ये सारी चीजें हम देख चुके थे आपको जो करना था वो यहां से करना था लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा गुप्त यानी कि छुपी हुई लेटेंट मतलब हिडन और हीट मतलब जो आपकी हीट एनर्जी होती है जो ऊष्मा होती है जो गर्म चीज होती है लेकिन ये छुपी हुई ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ पे होती है तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं द तो वर्ड लेटेंट का मतलब ही क्या हिडन है, है यानी कि ये छुपी हुई है तो बेसिकली ये वो हीट होती है जो कि कोई भी सब्सटेंस एब्सॉर्ब करता है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए यानी कि वाटर से स्टीम में जाने के लिए जो भी टेम्परेचर वो एब्सॉर्ब करेगा उसको क्या कहा जाता है लेटेंट हीट कहा जाता है ठीक है फ्यूजन में क्या करेगा फ्यूजन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कह देते हैं तो बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एक के जी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए होगी तो गुप्त ऊष्मा कुछ भी नहीं है सगलन के गुप्त ऊष्मा वो होती है कि एक किलो का अगर आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है तो अगर आपको उसको अगर आपको उसको ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लेके आना है तो उसके लिए जितनी भी आपको ऊर्जा चाहिए होगी उस ऊर्जा को उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और अगर किसी लिक्विड को किसी द्रव्य चीज को किसमें कन्वर्ट करना है गैस के अंदर कन्वर्ट करना करना है या जल को वाष्प में परिवर्तित करना है तो जो आपको एनर्जी या ऊर्जा चाहिए होगी उसे क्या कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ठीक है मेन जो देखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेली लाइफ की चीजें केमिस्ट्री से ना कभी भी चीजेंटिकल चीजें नहीं आती डेली लाइफ वाली चीजें ज्यादा आती हैं जैसे अगर यहां से आपसे अब, अब जितना भी हमने पढ़ा अगर मैं उसका आप लोगों को एप्लीकेशन बताऊं तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है कि अगर हम अगर हम किसी भी प्रेशर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में तो परेशान मत होइएगा तो अगर हमने कहा कि अगर मैं किसी भी चीज का प्रेशर बढ़ा देती हूँ क्या कहा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अगर मैं किसी भी चीज का प्रेशर बढ़ा देती हूँ यानी कि अगर उसका दाब बढ़ा दिया जाए और उसका टेम्परेचर घटा दिया जाए और उसका टेम्परेचर घटा दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं एक गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं एक गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं और इनका रिवर्स भी पॉसिबल है यानी कि अगर आपको किसी भी चीज की स्टेट चेंज करनी है अगर उसकी अवस्था चेंज करनी है तो आपको परिवर्तन लाना होगा किसमें प्रेशर में यानी कि आपको प्रेशर बढ़ाना होगा और उसका टेम्परेचर क्या करना होगा कम करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं इंसाइड प्रेशर कुकर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है इनसाइड प्रेशर कुकर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है तो आपका जो आ, ये है वाटर है वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर हायर देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो वहां पे जब आप टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कम टाइम चाहिए होता है कम टाइम चाहिए होता है लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो ये नमक का पानी होता है ना जिनके एरिया में भी क्या हो रहा होगा खारा पानी आ रहा होगा उस एरिए में उस एरिए में खाना बहुत देर में पकता है मतलब सीटी तो कई आ जाती है पर दाल अभी भी नहीं गली होती नहीं पकी होती उसका कारण क्या है जो आपका ये नमकीन पानी है जो नमक वाला पानी है गंदा वाला पानी है क्योंकि कारण क्या होता है जब भी पानी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धता होगी कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही उसका डिक्रीज हो जाता है यानी कि वो पानी जल्दी उबल जाएगा खाना पका ही नहीं होगा और पानी जल्दी से उबल के क्या कर देगा सीटी दे देगा भाप बना के तो impurity से हमेशा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है ठीक है इसीलिए आपने देखा होगा हमारे घर का जो फ्रीजर होता है उसमें कभी भी फ्रिज आइसक्रीम जो है वो अच्छे से जम नहीं पाती है वो अच्छे से आइसक्रीम जमी जम नहीं पाती है आप बाहर से आइसक्रीम लेके आएंगे आप थोड़ी देर में देखेंगे उनके यहाँ तो जमी हुई थी हमारे यहाँ पिघल गई तो हमारे रेफ्रिजरेटर और आइसक्रीम वाला जो वो एक पूरा साइकिल के ऊपर पूरा रेफ्रिजरेटर लेके घूम रहा होता है उसमें अंतर क्या होता है कि उनके अंदर ना उनके रेफ्रिजरेटर के अंदर सॉल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है यानी कि अशुद्धता के नाम पे बहुत सारे नमक का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए टेम्परेचर गिरने के बाद भी उनके में ठंडक ज्यादा रहती है कम मतलब गर्मी होगी गर्मी होगी क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घट चुका है तो वो क्या होगा उनके में ठंडक ज्यादा होगी ठीक है देखो ये मैं आप आ, एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सचर हम पढ़ चुके है, हैं अगर, इन के को, कि अगर इनके संघटों को आपको अलग करना है तो इनको अलग करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं जैसे कि अगर आप किसी भी वाष्पशील घटक को यानी कि किसी भी वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट को अलग करना चाहते हैं अगर आप किसी भी वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट को अलग करना चाहते हैं तो वोलेटाइल का मतलब ही क्या हुआ जो आसानी से भाप बन के उड़ जाए हिंदी में तो बता ही रहे वाष्पशील तो जो चीज भाप बन के अलग हो सकती है उसको मैं क्या करूंगी एक कंटेनर में मैंने दो चीजें ले ली एक भाप बन सकती है एक भाप नहीं बन सकती तो जो भाप बन सकती है मैं उसको भाप बना के क्या करूंगी उड़ा दूंगी और आपने घर पे देखा है अगर आपकी सब्जी बन रही है तो जब आप उसे प्लेट से ढक देते हो तो सब्जी का जितना भी पानी भाप बन के उड़ रहा होता है वो सारा आके उस प्लेट पे चिपक के फिर से पानी बन जाता है तो अगर मुझे सब्जी में से पानी अलग करना है तो कई बार होता है ना कि हमारे किसी किसी सब्जी के अंदर या चावल के अंदर ही मान लो पानी ज्यादा हो गया सारे चावल के अंदर पानी पानी दिख रहा है चावल के अंदर पानी पानी दिख रहा है तो हम क्या करते हैं हम उसे थोड़ी देर और गैस पे रख देते हैं गैस पे रखने से क्या होता है गैस पे रखने से क्या होगा जो भी उसके अंदर चावल है वो तो वहीं रह जाएगा क्योंकि वो तो वाष्प में परिवर्तित हो नहीं सकता लेकिन जितना भी पानी है वो भाप उड जाएगा। अब अगर आपको ये पानी भी इकट्ठा करना है तो आप इसके ऊपर प्लेट लगा दो आप देखोगे सारा पानी तो इस प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और सारा चावल जो है वो चावल यहाँ रह जाएगा तो किसी भी वाष्पशील पदार्थ को घटक को अलग करने का तरीका है कि उसको क्या कर दो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो उसका थोड़ा सा तापमान बढ़ा दो ताकि जो वॉलेटाइल है वो उड़ के अलग हो जाए और जो नॉन वॉलेटाइल है वो नीचे बचा हुआ रह जाए आमतौर पर ऐसा किसके साथ किया जाता है जब हमें समुद्र के पानी में से नमक अलग करना हो लवड़ अलग निकालना हो तो इस इवेपोरेशन का जनरली इस्तेमाल वहां पे किया जाता है ठीक है आपको बस यहां से सवाल कैसे पूछे जाएंगे आपसे पूछ लिया जाएगा सी वाटर में से सॉल्ट को अलग करने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है यह आपसे पूछा जाएगा कि घड़े में रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा रहता है किस प्रतिक्रिया के कारण तो तब आपको बताना होगा कि किस प्रोसेस की वजह से किस चीज की वजह से घड़े में रखा पानी जो है वो ठंडा रहता है उसका भी कारण क्या है सेम यही इवेपोरेशन वहां पे भी क्या हो रहा है आप देखेंगे वहां पे क्या होता है आपने मान लीजिए ये मटका रखा हुआ है और इस मटके में ये मटका मिट्टी का बना हुआ होता है इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं अब छोटे छोटे छेद की वजह से क्या होगा देखिए इसके अंदर तो आपने भरा हुआ है पानी इसके अंदर से आप इसके अंदर आपने क्या भरा हुआ है पानी और बाहर क्या है बाहर गर्मी है बाहर जब गर्मी है तो यहाँ का जो पानी है देखो घड़ा ना क्या होता है छोटे छोटे छेद होने की वजह से घड़ा जो है वो हल्का हल्का ये जो गगरी है ये गगरी हल्की हल्की क्या रहेगी गीली रहेगी तो ये जितना भी इस गगरी में यहां पे मिट्टी के ऊपर जितना भी पानी आ गया है ना मिट्टी ने जितना भी पानी एब्जॉर्ब कर लिया है वो पानी वाष्प बन के वॉटर वेपर बन के उड़ने की कोशिश करेगा लेकिन लेकिन अगर किसी भी लिक्विड को किसी भी लिक्विड को यानी कि किसी भी द्रव को गैस में कन्वर्ट होना है या वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है जल वाष्प में परिवर्तित होना है तो उसे क्या चाहिए होती है उसे चाहिए होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि गुप्त ऊष्मा संलग्न की गुप्त ऊष्मा बेसिकली उसे एनर्जी चाहिए टेम्परेचर चाहिए और लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है जो हीट एनर्जी चाहिए होती है वो ये कहाँ से लेता है वो अंदर के पानी से लेता है वो हीट कहा से लेता है अंदर के पानी से तो अंदर वाला पानी जब सारी की सारी हीट अंदर वाला पानी जब सारी की सारी हीट बाहर दे देगा इनमें इवेपोरेशन करवाने के लिए तो अंदर का पानी अपने आप ही क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा अंदर का पानी क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तो अंदर के पानी ने एक सेक्रीफाइस किया क्या सेक्रीफाइस किया उसने अपनी सारी हीट निकाल के बाहर दे दी कि तुम मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लो और तुम वाष्प में परिवर्तित होके उड़ जाओ तो इस तरीके से अंदर का पानी क्या होता है ठंडा रहता है अब यहाँ का पानी जैसे ही उड़ के बाहर चला जाएगा अब इस घड़े में फिर से छेद है फिर थोड़ा सा पानी इस घड़े की मिट्टी में भर जाएगा फिर वो इवेपोरेट होने के लिए अंदर से गर्मी लेगा तो इसी तरीके से बाहर इवेपोरेशन चलता रहेगा और उस इवेपोरेशन के लिए उस वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा है वो कहां से ली जाएगी वो अंदर के पानी से ली जाएगी और वो पानी लगातार क्या होता रहेगा ठंडा होता रहेगा ठीक है तो आप देखेंगे गर्मियों में घड़े या सुराही में रखा हुआ जो जल है वो ठंडा हो जाता है क्यों क्योंकि घड़े की सतह पर जो उपस्थित नन्हे नन्हे छिद्र होते हैं वो जल का वाष्प वहां से जल का क्या होता है वाष्पीकरण होता रहता है और वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो घड़े में रखे हुए उसी पानी के तापमान से मिलती है जिससे वो पानी लगातार क्या होता है ठंडा हो जाता है दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हैं हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं उसमें भी सेम यही चीज है कि जब हमारे कपड़े हमारे पसीने से पूरे भीग जाते हैं तो ये इस कपड़ों में जो पसीना है वो भी भाप बन के उड़ेगा और जब वो भाप बन के उड़ेगा तो उस पसीने को भी भाप बनने के लिए क्या चाहिए गर्मी चाहिए और फिर हमारा वो कॉटन का कपड़ा हमारा वो सूती कपड़ा गर्मी कहाँ से लेगा हमारे शरीर के अंदर से लेगा तो जब वो हमारे शरीर के अंदर से गर्मी लेगा तो हमारा अंदर से तो गर्मी सारी बाहर चली गई तो शरीर में ऑटोमेटिकली क्या फील होगी ठंडक महसूस होगी आपको गर्मी कम लगेगी ठीक है दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि हम देखते हैं कि पानी का जो ग्लास होता है जब आप फ्रिज में से बॉटल निकाल के बाहर रखते हैं या ग्लास के अंदर पानी भर देते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है उसके ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है वो भी क्यों होता है क्योंकि जितना भी उसके ऊपर वाटर वेपर था वो सारा जितना भी एटमोस्फियर में आपके वायुमंडल में जितना भी वाटर वेपर था जितना भी जलवाष्प था वो क्या हुआ वो चेंज हो गया उसने भी अपनी स्टेट क्या कर दी चेंज कर दी ठीक है वी सी वॉटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर यानी कि हम बर्फीले जल के भरे ग्लास के बाहरी सतह पर जल की बूंदे देखते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि मैंने बताया वायु में जितना भी जल वाष्प है वो क्या होता है वो बर्फीले जल के भरे ग्लास से जब कांटेक्ट में आता है तो वहां वो क्या करता है अपनी ऊर्जा खो के द्रव को जल में परिवर्तित कर देता है जिसकी वजह से हमें छोटी छोटी जल की बूंदे नजर आती हैं ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी दूसरा क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि यहाँ पे आपको इससे ही पता चल रहा होगा यहाँ पे जो आपका मेन फोर्स काम करता है वो कौन सा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक फोर्स लगता है जो बाहर की तरफ होता है अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो एक फोर्स काम करता है केंद्र से बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है कहा केंद्र से बाहर की तरफ जिसे कहा जाता है सेंट्री फ्यूगल फोर्स जिसे क्या कहा जाता है सेंट्री फ्यूगल फोर्स जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप धागे के अंदर एक पत्थर बांध के और उसे गोल गोल घुमाएंगे तो आप जब उस धागे को छोड़ोगे ना तो वो धागा क्या होगा गोल गोल घूमते हुए जैसे ही आप धागा छोड़ोगे वो कहीं बाहर दूर जाके गिरेगा तो वो आपके अपने सर पे आके क्यों नहीं गिरा क्योंकि जब आप उसको गोल गोल घुमा रहे थे तो फोर्स कहाँ काम कर रहा था बाहर की तरफ तो जैसे ही आपने उसे छोड़ा तो वो कहाँ चला गया बाहर की तरफ इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग डेंसिटी यानी कि अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों को अलग करने के लिए जैसे अगर आप मलाई और दूध को अलग करना चाहते हैं अगर आप मलाई और दूध को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है क्या किया जाता है एक बड़ी सी प्लेट होती है ठीक है बीच में यहाँ पे एक रिंग लगी हुई होगी जिसके भरोसे एक कील लगी होगी जिसके ऊपर वो गोल गोल घूमेगा ठीक है अब यहाँ लगी हुई होती है छोटी छोटी सी एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पतली पतली से गिलास मान लो ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लगे हुए होते हैं अब आपने क्या कर दिया आपने इसके अंदर भर दिया क्या दूध आपने इसके अंदर क्या भर दिया दूध और आपने देखा है जैसे झूला होता है ना पार्क में झूला होता है मेले में भी आप देखते हैं वो एक घोड़े वाला झूला होता था वो ऐसे घूमता था और घोड़े पे बैठ के आप लोग बाहर चारों तरफ घूमते रहते थे ऐसे ही आप मानो कि एक प्लेट है और उस प्लेट के अंदर ट्यूब लगी हुई थी आपने उसके अंदर क्या भर दिया दूध भर दिया अब आप उस प्लेट को जोर से घुमा दीजिए अब आप इस प्लेट को क्या करिए इस प्लेट को जोर से घुमा दीजिए तो जब आप इसे जोर से घुमाएंगे तो क्या होगा जो चीज जितनी भारी होगी वो उतनी दूर जाएगी जो चीज जितनी हल्की होगी वो वही रह जाएगी चाहे आप झूले का ही एग्जाम्पल ले लो मान लो ये एक झूला था ठीक है ये एक झूला था ये इस पे कुर्सियां लगी हुई है अब इस झूले पे क्या किया यहाँ पे देखो आपका एक मोटा दोस्त बैठा है यहाँ पे तो आपका एक मोटा सा दोस्त बैठा है और यहाँ आपका एक पतला सा दोस्त बैठा है अब आपको इन दोनों दोस्तों ने कहा चल यार हमें झूला झूला आपने जोर से घुमा दिया खूब जोर से घुमाया और अब इनसे कह दो कि अपना हाथ छोड़ दो तो आप देखना जैसे ही ये दोनों झूला झूलते झूलते अगर ये झूला बहुत तेजी से घूम रहा है तो आप देखोगे अगर जोर जोर से घूमते घूमते अगर ये अपना हाथ छोड़ देंगे तो जो ये छोटा वाला है पतला वाला है ये तो फेंका जाएगा हो सकता है ये फेंका के सीधे पहुंचे अपने घर में और जो मोटा वाला है ये भी फेंकाएगा लेकिन ये वही गिर जाएगा ये वही पार्क में ही गिर जाएगा ये वही पार्क में ही गिर जाएगा लेकिन ये जो छोटा वाला था ये तो इतनी दूर तक लुका जाएगा कि हो सकता है अपने घर भी पहुंच जाए है ना तो कहने का मतलब क्या है जो जितना भारी होता है वो उतना वहीं पे ही रह जाता है लेकिन जो जितना हल्का होता है वो उतनी ज्यादा दूरी तय करता है तो यहाँ अगर ये यह सेंटर है अगर ये आपका केंद्र है तो जब मैं इसे जोर से घुमाऊंगी तो जितनी भी भारी चीजें होंगी वो तो यही पास में ही रह जाएंगी और जितनी भी हल्की चीज होगी जैसे मुझे बताओ मलाई हल्की होती है या भारी हल्की होती है तो वो सारी जितनी भी मलाई है जितनी भी मलाई है वो सारी मलाई यहाँ इकट्ठी हो जाएगी और जितना भी प्रोटीन है वो सारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो इस तरीके से मलाई और प्रोटीन को अलग अलग करने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का ठीक है या आप देखोगे हमारे ब्लड के अंदर भी सारे सेल का मास अलग अलग है आरबीसी डब्ल्यू इनको भी अलग करने के लिए या ब्लड में से जो लेबोरेटरीज में ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट होते हैं यूरिन में से भी प्रोटीन वगैरह को अलग करने के लिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है या आपसे पूछे डेरी या और ये सब छोड़ो मशीन छोड़ो आपने देखा घर में हम जब मथानी चलाते हैं तब भी तो हम गोल दही दूध को गोल गोल घुमा रहे होते हैं तो गोल गोल जब आप घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है जितना भी हल्का पदार्थ होता है यानी कि जितनी भी क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है और जितना भी दूध होता है वो कहाँ रह जाता है नीचे रह जाता है सेम इसी तरीके का प्रोसेस वॉशिंग मशीन में भी होता है जब आप कपड़े डाल के उसको जोर से स्पिन कर देते हैं घुमा देते हैं तो घुमाने से क्या होगा कपड़े तो भारी है वो वही रह जाएंगे और पानी जो हल्का है वो उस मशीन में जो टब लगा हुआ है टब में जो छोटे छोटे छेद है उन छेद में से क्या होगा निकल के बाहर चला जाएगा तो वॉशिंग मशीन पूछा जाए डेरी पूछा जाए इन सब के अंदर क्या होता है इन सब के अंदर इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तीसरा तरीका क्या है बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल ये है सेपरेटिंग फनल आपने देखा है पानी के अंदर अगर आप तेल डाल दोगे तो दोनों बिल्कुल अलग अलग नजर आता है जैसे मान लेते हैं यहाँ पानी के अंदर तेल डला हुआ है देख रहा है अलग अलग है ये नीचे वाला हिस्सा मान लेते हैं पानी है और इसके ऊपर ये इतना हिस्सा क्या है ये इतना हिस्सा तेल है ये इतना हिस्सा तेल है तो आपको कुछ भी नहीं करना ये एक छोटा सा औजार होता है आपको क्या करना है यहां से ना इसको खोल देना है यहां से इसको खोल देना है तो आप देखोगे ये जितना भी पानी है ये सारा यहाँ से नीचे आता जाएगा और जैसे ही आपको दिखे कि अब ये तेल वाली परत यहाँ पे आ गई है आप इसको बंद कर दो आप इसको क्या करो आप इसको बंद कर दो तो इसी ये जो आप लोग देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट इसी को क्या कहा जाता है इसको हम कह देते हैं सेपरेटिंग फनल इसको क्या कह देते हैं सेपरेटिंग फनल ठीक है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए आप इसी का इस्तेमाल करते हो ठीक है अगला क्या है सब्लिमेशन सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है जब दो सॉलिड ऐसे हो जिनमें से एक सॉलिड जो है वो क्या हो जाए वो भाप बन के उड़ जाए जब एक सॉलिड ऐसा हो जो भाप बन के उड़ जाए तो उन दोनों में से एक को क्या किया जाता है थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया जाता है जैसे आप जानते हैं नेफ्थलीन हो गया पिछली बार आपने ही मुझे बताया था नेफ्थलीन कैम्फर ये सब क्या होते हैं ये सब भाप बन के उड़ जाते हैं तो इन्हें अलग करने के लिए हम उसी का इस्तेमाल करते हैं ठीक है क्रोमैटोग्राफी क्रोमा वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है यानी कि कलर कलर के आधार पे इन्हें अलग किया जाता है इस तरीके से ठीक है क्रिस्टलाइजेशन यानी कि उनके छोटे छोटे क्रिस्टल बना के आपने देखा है अगर आप लोग आ, जो शहद बिल्कुल प्योर होती है ना जो बिल्कुल आप देखोगे आप खेत में या पेड़ पे से शहद निकालोगे उसे आप सालों साल रख लो उसे आप सालों साल रख लो वो कभी जमती नहीं है वो कभी जमेगी नहीं लेकिन अभी आप बाजार से कोई सी भी हनी लेके आइए चाहे पतंजलि की चाहे डाबर की बाहर बाजार की आप कोई भी हनी लेके आइए वो कितना भी कह दे कि ये हनी बिल्कुल शुद्ध है पर आप उसको फ्रिज में रख दीजिए या फ्रीजर में रख दीजिए तो आप देखेंगे उसमें से छोटे छोटे चीनी के क्रिस्टल्स छोटे छोटे चीनी के जो कड़ हैं वो अलग हो जाएंगे तो वो जितनी भी चीनी अलग हुई ना बेसिकली वो वो शुगर थी जो उन्होंने बाद में अलग से घोली थी शहद के अंदर फ्रक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है लेकिन हम जो घर में खाते हैं वो होती है कौन सी वो होती है टेबल शुगर वो होती है टेबल शुगर तो जब हम बाहर से कोई चीनी या ग्लूकोज का सिरप मिलाया जाता है ग्लूकोज का बहुत गाढ़ा सा सिरप मिला देते हैं उस हनी के अंदर तो जब आप उसको फ्रीजर में रख दोगे ना तो आप देखोगे फ्रक्टोज तो शहद के अंदर ही रहेगी लेकिन वो ग्लूकोज क्या होगी वो छोटे छोटे क्रिस्टल बन के अलग हो जाएगी तो इस तरीके से अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का भी यूज किया जाता है एटॉमिक मास आप लोग कर चुके हैं तो यहां आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ अगला जो हमें चैप्टर शुरू करना है वो कौन सा है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी पीडीएफ आप लोगों को अपलोड मैंने कर दी है ठीक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु और अधातु तो आप अपनी आवर्त सारिणी के अंदर देख सकते हैं यानी कि अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक बहुत पहले से अलग अलग चीजों की खोज की जा रही है अलग अलग तत्व अलग अलग एलिमेंट हमारे खोज होते जा रहे हैं साल बर दर साल होता ही जा रहा है और अभी तक खोज करते करते हमें टोटल कितने एलिमेंट्स मिले हैं हमें अभी तक टोटल कितने एलिमेंट्स मिल चुके हैं हमें अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स यानी कि इतने तत्व हमें मिल चुके हैं अब इन तत्वों को हमने क्या किया इन तत्वों को जिनमें से अगर आप देखेंगे तो जो आपके 94 हैं, है 94 एलिमेंट जो है वो कैसे हैं? वो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। वो प्राकृतिक हैं और वो नेचुरल हैं और बचे हुए 24 कैसे हैं? ये आपके कृत्रिम हैं, यानी कि आर्टिफिशियल हैं ये हमने बनाए हैं तो जो हमें नेचर से मिले हैं जो हमें प्राकृति से मिले हैं वो कितने हैं वो नाइनटी फोर है चौरानवे है और जो हमने अपने आप बनाए हैं बाहर से लैब के अंदर बनाए हैं जो हमें कृत्रिम रूप से प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं चौबीस है और ये डायरेक्ट ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए हमारे पूरे आवर्त सारिणी में कितने प्राकृतिक तत्व हैं आपको अलग अलग ऑप्शन में संख्या मिल जाएगी या पूछ लिया जाएगा कितने कृत्रिम हैं और आपको फिर से क्या होगी संख्या मिल जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आपके ये क्या है आप देख सकते हो तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसी में मेटल्स कितने हैं 118 में से मान लो चौरानवे तो प्राकृतिक हो गए और 24 जो हैं वो कृत्रिम हो गए लेकिन अगर उसमें से पूछा जाए कि बताइए मेटल्स कितनी है तो क्या कोई मुझे बता सकता है बताइए मेटल्स की संख्या कितनी है कोई बता सकता है किसी को पता है मेटल्स की संख्या यानी कि धातुओं की संख्या कितनी है वेरी गुड सबसे पहले हमें निखांत ने जवाब दिया है धातुओं की संख्या कितनी है धातुओं की संख्या है नाइंटी वन धातुओं की संख्या कितनी होती है नाइन्टी वन और अधातु कितने होते हैं अधातु होते हैं उन्नीस जिनमें से और मेटेलॉइड कितने होते हैं मेटेलॉइड होते हैं सात पर एक बार तीनों को ऐड करिए कितना आ रहा है एक बार इन तीनों संख्याओं को जोड़िए नाइन्टी वन नाइनटीन और सात इक्यानवे उन्नीस और सात को जोड़ेंगे कितना बैठेगा जोड़ इनका हम्म ने सही जोड़ा है कंप्यूटर ज्ञान सेवा की तो गलत है मैथ 117 बैठ रहे हैं 117 बैठ रहे हैं यानी कि एक एलिमेंट की कहीं कमी है और वो एक एलिमेंट कौन सा है आपका हाइड्रोजन वो एक एलिमेंट कौन सा है आपका हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसको पूरे आवर्त सारिणी में कोई भी निश्चित स्थान नहीं मिला है अभी तक भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए हैं कि ये एक धातु है अधातु है या ये एक मेटलॉइड है इसके बारे में अभी भी कोई पूरी पुष्टिकरण होने के साथ कोई भी हमें पक्की जानकारी नहीं है तो हाइड्रोजन का ना तो अभी स्थान आवर्त सारिणी में भले ही हम इसे पहले स्थान पर रखते हैं हमने इसे एस ब्लॉक में रखा हुआ है लेकिन वो उसका निश्चित स्थान नहीं है अब जब एलिमेंट था कहीं ना कहीं तो रखना था तो हमने इसे वहां पे रख दिया लेकिन ये उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से मैच नहीं कर पाता ये पूरी तरीके से मैच नहीं कर पाता ये ग्रुप एटीन के भी रिजेंबल uh, करता है ग्रुप सिक्सटीन को भी रिजेंबल करता है ये यानी कि ये हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अभी भी कोई निश्चित स्थान नहीं मिला है ठीक है अब देखिए इस हाइड्रोजन से कई सारे आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं कई सारे आप लोगों के सवाल पूछ लिए जाते हैं जैसे इतना तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परमाणु संख्या और इसके परमाणु भार दोनों ही क्या है दोनों ही एक है दोनों ही क्या है दोनों ही एक है और मैंने आप लोगों को बताया था हमने हम हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं है ना यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक है इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं एक है जल्दी से मुझे इसके अंदर न्यूट्रॉन निकाल के बताइए न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे हमने बहुत डिटेल में इसकी क्लास करी थी इसके न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दीजिए यानी कि पूरे परमाणु भार में से परमाणु संख्या को जब आप घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी जीरो और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है ठीक है इसकी खोज की बात करोगे तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी 1766 में हेनरी कैविंडिश ने की थी लेकिन वो इसको नाम नहीं दे पाए थे ठीक है इसके अगर नाम की बात करोगे तो नाम किसने दिया था एंटनी लेवोसियर ने दिया था जिनको आधुनिक भारत के जनक भी कहा जाता है इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो अभी तक अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पढ़ लिया पहला क्वेश्चन कि हमारे पूरे आवर्त सारिणी में प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है आप बता देंगे चौरानवे कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है आप बता देंगे कितनी है चौबीस फिर आपसे पूछा जाएगा धातुओं की संख्या कितनी है आप बता देंगे कितनी है 91 वन कितनी है वन आपसे पूछा जाएगा नॉन मेटल्स की संख्या कितनी है आप बता देंगे बीस मेटलॉइड की संख्या कितनी है सात और सातों मेटेलॉइड के नाम आप लोगों को याद रखने होते हैं ठीक है ये पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलॉइड निम्न में से कौन सा अर्ध धातु है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है छठा क्वेश्चन ऐसा कौन सा तत्व है जिसको अभी तक आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं मिला है आप क्या बता देंगे हाइड्रोजन क्या बताएंगे आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन की खोज किसने की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 में हाइड्रोजन को नाम किसने दिया था एंटनी लेबोसियर ने दिया था आधुनिक यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान मॉडर्न केमिकल केमिस्ट्री मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है एंटनी लेवोसियर है और ऐसा कौन सा तत्व है जिसके पास जीरो न्यूट्रॉन होते हैं तो आप क्या बता देंगे हाइड्रोजन इतने दस क्वेश्चन क्लियर हैं इतने दस क्वेश्चंस क्लियर हैं इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन रहित परमाणु होता है ठीक है एक बार दोबारा बताएंगे मेरे साथ यहीं पे याद करके अभी जाएंगे जल्दी-जल्दी देखते हैं कौन जल्दी-जल्दी टाइप करके मुझे बताता है ठीक है काश इसमें ऐसा होता मैं आप लोगों की भी वॉइस ओपन कर पाती पर अभी आज सॉफ्टवेयर दूसरा यूज हो रहा है इसमें वॉइस ओपन नहीं होगी बच्चा विभाग देखो दोबारा से एक बार मैं बताऊंगी इरेगुलरिटी का कारण <laughs> मैं भी क्या बताऊं मेरे हाथ में नहीं है पहले मैं बीमार हो गई वो मेरे हाथ में नहीं था और परसों मेरे ताऊ जी मेरे अपने सगे ताऊ जी जो थे मेरे अपने खुद के फादर इन लॉ नहीं है मेरे ससुर नहीं है ठीक है वो मेरी शादी से ही पंद्रह दिन पहले वो खत्म हो गए थे उसके बाद मेरे जितनी भी क्लोजनेस थी वो अपने बड़े पापा से थी और परसों वो भी एक्सपायर हो गए ठीक है सो इट वाज अ टफ टाइम इट वाज नहीं इट इज अ टफ टाइम अभी भी यहाँ खड़े होके पढ़ाना बहुत मुश्किल है बट सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का पेपर है और एक टीचर को छुट्टी नहीं मिलती है है ना तो मुझे यहाँ खड़े होना जरूरी था मुझे यहाँ खड़े होना जरूरी था तो मैं वापस अपने होम टाउन गई बस उनको देखा और मैं वापस यहाँ हूँ ठीक है तो मेरे हाथ में नहीं है बच्चा आप लोगों से ज्यादा टेंशन मुझे होती है एनी जल्दी से फटाफट रिवाइज करेंगे छोड़ो इस बारे में बात नहीं करेंगे इस बारे में बात नहीं करेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से टोटल आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है 118 तत्व हैं, जिसमें से जल्दी से मुझे बताओ नेचुरल प्राकृतिक तत्व कितने हैं जल्दी-जल्दी बताएंगे प्राकृतिक तत्व कितने हैं प्राकृतिक तत्व कितने हैं वेरी गुड 94 है 94 94 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है चलो उसके बाद मुझे बताइए उसके बाद मुझे बताइए सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम कितने हैं कृत्रिम कितने हैं जल्दी से मुझे बताइए कृत्रिम कितने हैं चौबीस बहुत बढ़िया चौबीस 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 वेरी गुड चौबीस 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 तीसरा धातुओं की संख्या कितनी है धातुओं की संख्या कितनी है जल्दी बताएंगे धातुओं की संख्या कितनी है धातु 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 नाइन्टी वन नाइन्टी वन नाइनटी वन नाइन्टी वन नाइन्टी वन बहुत बढ़िया अधातु 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 नॉन मेटल नॉन मेटल जल्दी से नॉन मेटल कितने है? 19 इसी नंबर को उल्टा कर देना है बस 91 को 19 कर देना है 91 को 19 कर दो 19 19 19 और मेटलॉइड्स कितने हैं बेटा जो 20 कह रहे हैं ना वो कहीं-कहीं पे 20 आप लोगों ने यूट्यूब पे ही देखा होगा पर फिर वो लोग हाइड्रोजन को इंक्लूड कर देते हैं हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे किसी का भी कमेंट आया था 20 तो बच्चा मैं हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने हिसाब से आवर्त सारिणी को नहीं बदलूंगी जब साइंटिस्ट ने इसे कोई जगह नहीं दी है तो मैं कैसे दे दू? तो नॉन मेटल नाइनटीन ही है और अर्ध धातु कितने हैं सात ठीक है जिसमें से एक जो बच्चा ये कुल मिला के आपके एक होते हैं एक जो है वो है आपका हाइड्रोजन तो ऐसा तत्व जिसको अभी तक आवर्त सारिणी में कोई निश्चित स्थान ना मिला हो ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसको आवर्त सारिणी में निश्चित निश्चित स्थान नहीं मिला है खाली सिंबल लिख दोगे तो भी चलेगा ऐसा वेरी गुड हाइड्रोजन 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 की खोज किसने की कैविंडिश हाइड्रोजन की खोज किसने की हाइड्रोजन की खोज किसने की कैविंडिस बहुत बढ़िया लेकिन उसको नाम किसने दिया नाम किसने दिया उसका नामकरण किसने किया नाम किसने दिया एंटनी लेवोसीयर ने फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है एंटनी लेवोसीयर को पूरे आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है पूरे आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके पास जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है वेरी गुड चलिए हाइड्रोजन में इससे अलावा क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से आपसे इससे अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जैसे अगर पूछा जाए कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में हमारे पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है विच एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन द यूनिवर्स ठीक है हमारे पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है फिर से आप किसको बता देंगे हाइड्रोजन को और सिर्फ लेकिन ब्रह्मांड में पूछेंगे तो आप हाइड्रोजन बताओगे लेकिन अगर हमारी बॉडी पूछी जाए अगर हमारी बॉडी पूछी जाए जल्दी से बताइए मनुष्यों के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मानव शरीर में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में है? तो आप क्या बता देंगे ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है ऑक्सीजन ठीक है यूनिवर्स की बात करोगे तो यूनिवर्स में तो सब आ जाता है पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी बाहर की भी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी पास की गैलेक्सी सारी गैलेक्सी आ जाती है अच्छा गैलेक्सी से मुझे एक बता दो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे वेरी गुड दुग्ध मेखला हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है मिल्की वे मुझे बताइए हमारी दूसरे सबसे नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है हमारी पड़ोसी जो सबसे पास में हो चीनी लेने अगर जानी हो तो हम कौन सी गैलेक्सी में जा सकते हैं जैसे हम अपने पड़ोस के घर में चीनी लेने जाते हैं ऐसे अगर हमें गैलेक्सी बदल के जानी हो तो हम कौन सी गैलेक्सी में जाएंगे गैलेक्सी पूछा है प्लेनेट नहीं पूछा है गैलेक्सी पूछ रही हूँ श्रुति ने सबसे पहले जवाब दिया जाने जाने है एंड्रोमेडा बेटा ये सब पढ़ लेना ठीक है ये गैलेक्सी नियरेस्ट गैलेक्सी नियरेस्ट स्टार नियरेस्ट प्लेनेट तो वीनस है ही ठीक है मोस्ट शाइनिंग स्टार अलग है और नियरेस्ट स्टार अलग है ये सब आप देख लीजिएगा एनी चलो वापस आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड में कौन सा है तो पूरे ब्रह्मांड में आप बता देंगे ब्रह्मांड में तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है लेकिन अगर अर्थ के अंदर पूछा जाए पृथ्वी के अंदर पूछा जाए तो पृथ्वी के अंदर आप क्या बताएंगे आर्सेनिक पृथ्वी के अंदर क्या है सबसे ज्यादा आर्सेनिक है पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है आर्सेनिक है ठीक है लेकिन अगर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मेटल पूछा जाएगा यानी कि हमारे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछेंगे तो आर्सेनिक हो देखो क्वेश्चन अलग अलग है प्लीज इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा अगर आपसे पूछा जाता है हमारी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व एलिमेंट एलिमेंट आर्सेनिक एलिमेंट आर्सेनिक याद रखेंगे एलिमेंट कौन सा है आर्सेनिक लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा अगर पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट मेटल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तो आप एल्यूमिनियम बताएंगे कौन सा बताएंगे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ठीक है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मेटल है एल्यूमिनियम है ठीक है हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है यानी कि ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा ही जलाने पे यह बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है आप कोयला जलाइए और हाइड्रोजन जलाइए दोनों को जब आप जलाओगे तो आप देखोगे जितना एक पन्नी भर के एक किलो कोयला आपका ऊर्जा दे रहा था उतना एक चुटकी हाइड्रोजन अकेला उतनी ऊर्जा दे देगा तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू अरे इतने के भी हिंदी चाहिए होती है क्या अखिलेश इतनी तो हिंदी आनी चाहिए बेटा बहुत गड़बड़ बात है ये तुम लोगों की इसमें कहा हिंदी नहीं है बस ये जो इतने से पार्ट में हिंदी नहीं थी ठीक है इसे फ्यूचर फ्यूल क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है यानी कि ये बहुत ही अधिक ऊर्जा देता है इसीलिए भविष्य का जो ईंधन माना गया जब हमारे सारे फ्यूल खत्म हो जाएंगे तब हमारे पास जो एकमात्र ईंधन बचेगा वो कौन सा होगा और आज भी और आज भी इस पे काम किया जा रहा है क्योंकि इसका एक और फायदा है इसका एक और फायदा है कि ये क्या है ये प्रदूषण रहित है ये क्या है ये प्रदूषण रहे थे ये हाइड्रोजन प्रदूषण भी नहीं करता यहाँ एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है वो भी ऐड कर लीजिएगा कि ये एरोप्लेन के टायर में भी भरा हुआ होता है एरोप्लेन के टायर्स में एरोप्लेन के टायर में यही भरा होता है एरोप्लेन के टायर में यही भरा हुआ होता है ठीक है अखिलेश गैसेस का पूरा एक चैप्टर होगा गैसेस का पूरा एक चैप्टर होगा चिंता मत करो गैसेस का बच्चे बस मेरे साथ प्रॉब्लम है वरना कंटेंट तुम लोगों का पूरा तैयार है बस मेरी कंडीशन सिचुएशन ऐसी बन जा रही है कि मैं लाचार हो जाती हूँ और मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो चीज जहां पढ़ाने वाली है ना वो वही पढ़ाई जाए अपने टैलेंट को अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए बच्चों का घोच नहीं करना चाहिए कि एक बार कोई वर्ड आ गया तो सारा वहीं भर दो चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए ठीक है चलिए आगे देखिए इस हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं ये हम पिछली क्लास में ही बात कर चुके थे प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम तीनों में अंतर क्या होता है हाइड्रोजन तो तीनों का ही क्या होगा मैंने आप लोगों को बताया था आइसोटोप का मतलब क्या होता है जो समस्थानिक होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है परमाणु संख्या सेम है यानी कि तीनों की ही परमाणु संख्या कितनी होगी वन वन लेकिन इनका जो परमाणु भार है वो अलग है प्रोटियम का एटॉमिक भार वन होता है ड्यूटेरियम का एटॉमिक भार टू होता है और ट्रिटियम का एटॉमिक भार क्या होता है? तीन होता है है। अब अगर मैं इन्हीं तीनों को ऑप्शन बना के आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से किसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या जीरो है न्यूट्रॉन की संख्या जीरो है तो आप क्या बता देंगे प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या जीरो किस में होती है प्रोटियम में ठीक है अब क्योंकि दूसरा अगर मैं पूछूं कि बताइए इनमें से कौन सा रेडियो धर्मी है कौन सा रेडियो एक्टिव है तो आप बता देंगे इनमें से रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा होता है ट्रीटियम ये बच्चे आप लोगों को याद करना पड़ेगा अगर पूछा जाए कि इनमें से रेडियो एक्टिव कौन सा है तो ट्रीटियम है तो ये तो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में इतने इजीली मिलता ही नहीं है ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है इसमें से लगातार बीटा रेज निकलती रहती हैं तो अगर मैं पूछूं निम्न में से किसमें से बीटा बीटा किरणें निकलती रहती हैं बीटा किरणें किसमें से निकलती हैं बीटा किरणें किसमें से निकलती है तो भी आप क्या बता देंगे ट्रीटियम में से निकलती है किसमें से निकलती है ट्रीटियम और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इससे वाटर बनाना तो मुश्किल है तो वाटर या तो इससे बनता है या इससे बनता है ठीक है अब इन दोनों में से ये वाला देखो इसका मास आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मास ज्यादा है इसीलिए इस हाइड्रोजन को हैवी हाइड्रोजन बोला जाता है भारी हाइड्रोजन बोला जाता है और जब ये पूरा हाइड्रोजन ही भारी है तो इससे जो पानी बनेगा इससे जो पानी बनेगा H2O, इससे जो जल बनेगा वो जल भी कैसा होगा भारी जल होगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि आ, जो हैवी वाटर है ऐसे नहीं पूछेंगे किससे बनेगा आपसे पूछा यह जाएगा आपसे पूछा यह जाएगा कि हैवी वाटर की खोज किसने की थी यहाँ लिखा है मैंने हाँ लिखा हुआ है आपसे पूछा जाएगा कि हैवी वाटर की खोज किसने की थी जो बात अभी मैंने आपको बताई ये बात सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताई थी तो आप क्या बता देंगे आप कहेंगे सबसे पहले ये बात हमें एच सी नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी ठीक है सबसे पहले ये बात किसने बताई थी हमें एच सी उरे नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी तो यहां पे आपका दिया हुआ है ड्यूटोरियम को हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं इसीलिए इससे बने हुए जल को हैवी वाटर कहा जाता है और इस हैवी वाटर की खोज किसने की थी एच सी उरे ने की थी किसने की थी एच सी उरे ने ठीक है हां जी क्लास एक बजे तक चलेगी दुर्गा क्लास एक बजे तक चलेगी चलिए डेली लाइफ में अमन राज पूछ रहे हैं मैम इसका रियल लाइफ कोई एग्जांपल डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है चलिए अगला देखिए डाई हाइड्रोजन अब नॉर्मली आपको क्या होता है ये हाइड्रोजन ऐसे नहीं मिलती कि खाली हाइड्रोजन मिल जाए खाली हाइड्रोजन तो बहुत ही रिएक्टिव होता है तो आमतौर पे या तो ये हाइड्रोजन किसी के साथ किसी के साथ मिलके जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलके या तो पानी बना रहा होगा या ये हाइड्रोजन खुद अपने साथ जुड़ जाता है दो हाइड्रोजन के एटम्स अपने साथ एक साथ जुड़ जाते हैं और जब ये दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़ते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है डाई हाइड्रोजन जब दो हाइड्रोजन एक साथ मिलते हैं पूनम ज्योति क्या कह रही है बहुत लंबा मैसेज किया है पूनम आपने मैम आप बहुत अच्छा साइंस पढ़ाती है बस कंडीशन ऐसी आ जा रही है कि आपकी क्लास नहीं हो पाती है हाँ पूनम सेम बात मैं भी यही कह रही हूं चलिए तो हाइड्रोजन क्या है जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है डाई हाइड्रोजन अब यहां से देखो आप लोगों से सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि सेम एग्जैक्टली बस वही लाइनें लिखी है जो आप लोगों को एग्जाम में याद करना होगा ठीक है मैम यस मैम पेड बैच में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ज्यादा से ज्यादा किया ठीक है मैं कर दूंगी ब्रेक अभी दूंगी अभी रुक जाओ ब्रेक के लिए अभी रुक जाओ अभी तो एक घंटे भी नहीं हुए ए, मैंने सोचा पता नहीं कितने बज गए अभी तो भी नहीं बजे हैं ब्रेक चाहिए एक घंटे की क्लास में ब्रेक लेते हो क्या ब्रेक दूंगी बहुत देर बाद चुपचाप पड़ते हो ऐसा मजबूर मत करो कि टीचर से मैं माँ वाले रोल में आ जाऊं ठीक है आई एम अ मदर टू तो ऐसा मत करो कि जैसे मैं अपने बेटे को डांटती हूँ ऐसे तुम सबको डांटना चालू कर दूं और बहुत गंदा डांटती हूँ माइंड यू ठीक है है अच्छा बजे से कंटिन्यू कोई बात नहीं दे दूंगी ब्रेक दे 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 दूंगी दे दूंगी, दे दूंगी। चलिए देखिए तो एच टू के बारे में देखो हाइड्रोजन गैस के बारे में ये चीजें तो आप लोग जानते ही हैं कलरलेस होती है यानी कि रंग है कोई इसका अपना महक भी नहीं होता ये गंधहीन है कोई टेस्ट भी नहीं होता ये टेस्टलेस भी है पर हाँ आग लगाने का पूरा काम करती है यानी कि जेठानी वाला पूरा रोल ये गैस निभा लेती है ठीक है मैम मेरा मैसेज इनविजिबल है क्या एटलीस्ट least... एक तो बता दीजिए नहीं सौरभ पर मुझे तुम्हारा मैसेज अभी तक पहली बार देखा मैंने पीछे स्क्रॉल करके भी देख लिया आपने क्या पूछा था आप अपना क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए ठीक है तो ये कलरलेस टेस्टलेस ऑर्डरलेस सब है और ये सब होने के साथ साथ ये एक जेठानी का भी पूरा रोल निभाती है यानी कि आग लगाने का पूरा काम ये कर सकती है यानी कि ये एक प्रज्वलन गैस है हालांकि देखो मैं कितनी गलत बात कह रही हूँ मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरा देवर है तो मैं अपनी ही बुराई कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में जब मेरी न मेरी देवरानी आ जाएगी तो मैं आग लगाया करूंगी है ना हाँ देखो प्रवेश शुरू से है अभी मेरी देवरानी आई नहीं है इसीलिए तो बात है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है ये हवा से हल्की होती है इट इज लाइटर देन एयर ठीक है हाइड्रोजन हीलियम दोनों ही बहुत हल्की होती है आपने देखा है कुछ गुब्बारे होते हैं उन्हें जब आप छोड़ देते हो छोड़ देते हो गुब्बारों को तो वो हवा में उड़ जाते हैं क्यों उड़ जाते हैं क्योंकि वो हवा से भी हल्के हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर क्या भरी हुई होती है उनके अंदर भरी हुई होती है हीलियम तो अगर आपसे पूछा जाएगा लाइटेस्ट लाइटेस्ट गैस कौन सी है सबसे हल्की गैस कौन सी है तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन आएगी और दूसरे नंबर पे हीलियम आएगी दूसरे नंबर पे हीलियम आएगी ठीक है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ट्वेंटी कैलविन होता है और इसकी डेंसिटी भी देखो कितनी कम है मात्र जीरो पॉइंट जीरो नाइन ग्राम्स पर लीटर है ठीक है चलिए रूम टेम्परेचर पे ये इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करती ऐसा नहीं है कि यहाँ हवा में हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन भी है और दोनों रिएक्ट करेंगे और तड़तड़ तड़त मेरे ऊपर बारिश हो जाएगी हाइड्रोजन इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करती वरना ये जो हम कहते हैं ना कि तीसरा जो वर्ल्ड वॉर है थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है जो विश्व युद्ध है वो पानी के ऊपर होगा तो अगर ये हाइड्रोजन इतनी क्रियाशील होती कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना देती तो हो सकता है वो तीसरी वर्ल्ड वॉर आने की उम्मीद हम ऐसे करते ही ना पर क्योंकि ये हाइड्रोजन इनर्ट है अक्रिय है इतने जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी यही कारण है कि हम बार बार ऐसा कहते हैं कि अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा ठीक है चलिए इट इज उसके बाद क्या है? हैचर इट रिएक्ट्स विद हेलोजन टू गिव हाइड्रोजन हेलाइड यानी कि एक जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे हेलोजन है? कौन से ग्रुप में आते हैं किस वर्ग में आते हैं हेलोजन जल्दी से बताएंगे हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है ठीक है तो जब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे ये ग्रुप सेवनटीन के एलिमेंट्स होते हैं ठीक है टेबल में आप लोग इसे याद करेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलोजन कौन से ग्रुप में आते हैं तो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं इनके साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है इनके साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है हेलाइड बनाता है जैसे आयोडीन के साथ जैसे मान लो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ तो क्या बना लेगा फ्लोराइड बनाएगा ठीक बना है Helides बना बना ये हम में में करेंगे, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? दूसरा क्या है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म वाटर लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्या है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है ये बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के अगर हम चाहते हैं विश्व युद्ध रोक लें और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बना लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व करेगी कि आपकी पृथ्वी आप लोग लड़ने से पहले पानी पीने से पहले ही जल के जाओगे ठीक है यही हाइड्रोजन जब डाई, डाई नाई डाई नाइट्रोजन के साथ यानी कि सिंपल भाषा में ये डाई हाइड्रोजन डाई नाइट्रोजन नाम के बहुत ही अड़बंगे से लग रहे होंगे कुछ नहीं है जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है तब बनता है आपका अमोनिया तब बनता है क्या आपका अमोनिया यहां याद रखने वाली बात क्या है आपसे पूछा जाएगा अमोनिया बनाने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अभिषेक अभी दे देती हूँ आपसे पूछा जाएगा अमोनिया बनाने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है तो आप बता देंगे हेबर की क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है किसका इस्तेमाल किया जाता है हेबर्स प्रोसेस हेबर की क्रिया का ठीक है मैम अड्डा टीम डाउट होने पर मैसेज का रिप्लाई नहीं करती अरे कर तो रही हूं तुम डाउट तो पूछ ही नहीं रहे तुम बस ये कह रहे हो मैम टीम रिप्लाई नहीं करती टीम रिप्लाई तो तब करेगी ना नहीं कहा तभी नहीं हुआ है वहां कंप्लीट नहीं हुआ है ठीक है तो मेन आप लोगों को इस स्लाइड में से जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि अमोनिया बनाने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है तो आप बता देंगे किस प्रोसेस से होता है हेबर्स प्रोसेस से दूसरा आप लोगों से पूछा जाएगा कि कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है तो कैटलिस्ट में कौन कौन से है? दो हैं एक तो आयरन और एक मोलीबिडनम आयरन और मोलीबिडनम ये बिहार एसएससी में तो अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन सेंटर लेवल पे जो केंद्रीय स्तर पर एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेबर प्रोसेस में कौन से कैटेलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है चलिए अगला देखिए जब ये पानी किसी भी चीज के साथ जब ये पानी किसी भी चीज के साथ केमिकली कंबाइन करता है या किसी भी मिनरल के साथ जुड़ता है तो उसे कहा जाता है हाइड्रेशन ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है यहाँ से इतने सवाल नहीं पूछे जाते ठीक है अब बताऊंगी पानी दो तरीके के होते हैं पानी हाँ पूछेगा बेटा टीचिंग में ये सब एन के ही तो सवाल है मैं कुछ अलग सी चीज तो बता ही नहीं रही हाइड्रोजन के बारे में ही तो बताया है कि बहुत ही हल्की गैस है इसका कलर नहीं है इसका टेस्ट नहीं है इसका कोई भी स्वाद नहीं है आग लगाने के काम आती है हल्की होती है ये सब बातें तो बता रही हूं ये टीआरी में आएगा बारह बज के दो मिनट हो रहे हैं एग्जैक्ट बारह बज के सात मिनट पे शुरू कर दूंगी खाना के नहीं आना है जो भी खाना है वो लेके आ जाओ ठीक है जो भी खाना है वो लेके आ जाओ और खाते रहना सुनते रहना लिखना तो तुम्हें कुछ है नहीं ठीक है सुनना तो लिखना तो तुम्हें कुछ है नहीं तो आप बस क्या कीजिए पीडीएफ यहीं पे निकल जहां तुम कर रहे हो ना मैसेज कर रहे हो वहीं पे पीडीएफ सबसे ऊपर देखो टैग की हुई है पीडीएफ वहीं पे टैग की हुई है तो जल्दी से बारह सात पे मैं क्लास दोबारा से शुरू कर दूंगी फटाफट जाइए और कुछ खाने को लेके आइए और जो भी खा रहे हो मेरे लिए भी, भी भिजवाते रहना <laughs> चलिए ओके जो भी खाना जो जो लेके आता जाएगा वो बताते जाना कौन क्या लेके आया है खाने के लिए बताते जाना कौन क्या लेके आ रहा है खाने के लिए चलिए क्या क्या पढ़ लिया था हाइड्रोजन के बारे में <coughs> जल्दी से रिवाइज करेंगे पहला क्वेश्चन ऐसा तत्व जिसका आवर्त सारिणी में ऐसा तत्व जिसका आवर्त सारिणी में कोई भी निश्चित स्थान नहीं है क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आपसे पूछा जाए ऐसा तत्व जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है या तो हाइड्रोजन बोलेंगे या प्रोटियम बोलेंगे ठीक है ऐसा हाइड्रोजन का वो आइसोटोप वो समस्थानिक तत्व जो अपने अंदर से बीटा किरणों को निकालता है जो बीटा एमिटर है ट्रीटियम जो रेडियो एक्टिव है रेडियोधर्मी है फिर से ट्रीटियम हैवी वाटर की खोज किसने की थी एच सी उरे ने की थी मॉडरेटर का भी काम कौन करता है एच सी उरे करता है हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी Kevindish ने करी थी उसको नाम किसने दिया था उसको नाम लेवोसियर ने दिया था आधुनिक भारत के जनक कौन है लेवोसियर है ठीक है सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू नवा क्वेश्चन सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू कौन से तत्व पाई जाती है हाइड्रोजन में दसवा क्वेश्चन भविष्य का ईंधन या प्रदूषण रहित ईंधन किसे कहा जाता है फिर से क्या हो जाएगा आपका अपना हाइड्रोजन ठीक है उसके बाद ये कलरलेस है दस क्वेश्चन होगा ये कलरलेस है ओडरलेस है टेस्टलेस है और कम्बस्टेबल गैस है यानी कि ना तो इसका अपना कोई रंग है ना स्वाद है ना महक है लेकिन ये आग लगाने का पूरा पूरा काम करती है ये वायु से भी हल्की है लाइटेस्ट गैस सबसे हल्की गैस कौन सी है हाइड्रोजन सबसे ग्यारवा क्वेश्चन सबसे हल्की गैस कौन सी है हाइड्रोजन ये जल में घुलनशील नहीं है ये जल में घुलनशील नहीं है और नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। रूम पे क्रियाशील नहीं है ठीक है और इससे जल बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल बनाते हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कैसा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि उसमें से बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है ठीक है फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस के साथ अगर नाइट्रोजन गैस मिलाओगे तो अमोनिया बनाई जा सकती है उस अमोनिया को बनाने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं हेबर्स प्रोसेस इसमें कैटलिस्ट कौन से यूज होते हैं आयरन और मोलीबिडनम आयरन और मोलिबिडनम और ये वाटर जब भी रिएक्ट करता है किसी के साथ तो उसे हाइड्रेशन कहा जाता है तो एक हाइड्रोजन से रिलेटेड पहले हमने एक नॉर्मल एलिमेंट से देखे थे दस क्वेश्चन फिर हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड पंद्रह क्वेश्चन कर लिए पच्चीस क्वेश्चन आपके तैयार हैं यही अगर मैं एमसीक्यू में करवाती तो तुम्हें लगता है इतने सारे क्वेश्चन हो गए थ्योरी में थोड़ा सा समझा के बता रही हूँ तो पच्चीस क्वेश्चन तैयार कर चुके हो ठीक है अब इस वॉटर को, को, को ब्लू गोल्ड भी कहा जाता है वॉटर को और क्या कहा जाता है वॉटर को ब्लू गोल्ड भी कहा जाता है ये वॉटर दो तरीके का होता है एक होता है हार्ड वॉटर और एक होता है सॉफ्ट वॉटर एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर मतलब जिसमें बहुत सारा नमक मिला हुआ हो हार्ड वाटर कौन सा होता है जिसमें बहुत सारा नमक मिला हुआ हो अब वो नमक टेम्परेरी यानी कि अस्थाई रूप से भी मिला हुआ हो सकता है कि आप उसे निकाल लो और एक होता है कि परमानेंट हो स्थाई रूप से मिला ही हुआ है आप कुछ भी कर लो वो नमक उसमें से निकलेगा ही नहीं वो नमक उसमें से निकलेगा ही नहीं तो आम तौर पे हार्ड वाटर का मतलब हो गया खारा पानी हार्ड वाटर को आप सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं हार्ड वाटर को आप कह सकते हैं खारा जल या खारा पानी और सॉफ्ट वाटर होता है मीठा पानी बेसिकली ऐसा नहीं है कि इसमें शुगर मिली हुई है इसलिए ये मीठा है इसमें नमक नहीं है ठीक है इसमें नमक नहीं है अब ये नमक भी अगर आप इसमें से निकाल के अलग कर सकते हो तो वो हार्डनेस हो जाएगी वो अस्थाई हो जाएगी लेकिन अगर आप उसमें से नमक को नहीं निकाल सकते तो वो परमानेंट हो जाएगी वो स्थाई हो जाएगी ठीक है तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ड वॉटर के अंदर कौन से नमक पाए जाते हैं हार्ड वॉटर के अंदर कौन से नमक पाए जाते हैं तो आपके हार्ड वॉटर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके हार्ड वाटर में क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं वो भी कौन से हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ठीक है क्या होते हैं आपके पास इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लोराइड और सल्फाइड्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है जनरली बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है मेन अगर पूछा जाए कि कौन से सॉल्ट होते हैं तो आप बता देंगे कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खारा हो जाता है कभी आप लोग देखना अगर खारे पानी में अपना सिर धोओगे ना लड़कियों को आमतौर पर यह दिक्कत आती है खारे पानी से जब हम अपने बाल धोते हैं तो ऐसा लगता है कि बाल साफ ही नहीं हुए चिपचिपे से हो जाते हैं बाल खारे पानी से सफाई हो ही नहीं पाती ना तो ठीक से झाग बनता है और ना बाल ठीक से साफ होते हैं है ना तो बेसिकली आप देखेंगे तो जो ये खारा पानी होता है ना ये आमतौर पर साबुन के साथ झाग बनाता ही नहीं है इसीलिए बोला जाता है कि कपड़े धोने के लिए अनुपयुक्त ये क्या है ये उपयुक्त नहीं है कपड़े धोने के लिए या किसी भी तरीके की धुलाई करने के लिए ये उपयुक्त नहीं है दूसरा एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये खाना बनाने के लिए भी उपयुक्त नहीं है क्यों क्योंकि अगर पानी के अंदर नमक मिला हुआ होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा यानी कि पानी जल्दी जल्दी उबलता रहेगा और अंदर का खाना नहीं पका होगा तो खारे पानी के साथ एक और दुविधा है कि ये खाना भी ठीक से पकने नहीं देता है ये खाना भी ठीक से नहीं पकने देता है ठीक है और दूसरी दिक्कत क्या आती है फैक्ट्रीज में इसकी बहुत दिक्कत आती है जब फैक्ट्रीज में ना बड़े बड़े ब्रॉयर्स होते हैं कई सौ फीट ऊंचे ऊंचे आप देखोगे ब्रॉयर्स होते हैं जिनमें पानी उबाला जाता है हम तो छोटे से भगोने में उबाल लेते हैं ना फैक्ट्रीज में बड़े बड़े ब्रॉयलर्स होते हैं अब आप उन बॉयलर को छोड़ो अपने घर में देखना अल्मोनियम के अल्मोनियम के भगोने में या बटुई में हमारे यहाँ तो बटुई कहते हैं तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं बताना जरा ऐसे करके ये तो भगोना होता है एक ऐसे करके होती है जो चूल्हे पे इस्तेमाल होती है बटुई यहाँ से इस पे मिट्टी का लेप लगा देते हैं आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे अल्यूमिनियम की होती है ये भी हम तो बटुई कहते हैं इसको ठीक है तो हांडी हाँ हांडी भी कह देते हैं हांडी वैसे हांडी आमतौर पे मिट्टी की होती है डेगची भी कहा जाता है हाँ डेगची भी कह देते हैं मेरी नानी के यहाँ डेक्ची कहते हैं हांडी मिट्टी की होती है ज्यादातर हांडी मिट्टी वाले को कहते हैं तसला तो अलग है गुड़िया तसला अलग है चलिए तो ये जितने भी सिल्वर के बर्तन है ना एनी छोड़ो जितने भी सिल्वर के बर्तन है ना इनमें जब आप पानी उबालोगे तो या स्टील के में उबाल लेना किसी भी बर्तन में नमक वाला पानी खारा पानी उबाल के देखना साइड में नमक नमक सा चिपक जाता है देखा है सफेद सफेद हो जाता है सफेद सफेद हो जाता है दे... तो आरओ का पानी नहीं लिया नॉर्मल ऐसी टंकी का पानी ले लिया और उसमें उसकी बोतल उबाल दी और जब मैंने उसकी बोतल उबाली ना तो उसकी बोतल पे सारा व्हाइट व्हाइट वाइट व्हाइट सी हो गई उसकी बोतल उस पर नमक नमक सा चिपक गया तो फिर मुझे अपनी केमिस्ट्री की क्लास समझ में कहा अच्छा बेटा कल से आरो के पानी में उबालूंगी आरो के पानी में उबालना चालू किया वो सही है ठीक है तो वो क्या होता है तो जनरली क्या होता है ये के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है क्योंकि उसके अंदर ही क्या करता है पूरे में नमक जमा कर देता है मोटी मोटी नमक की क्या होती है परत जम जाती है तो अगर अस्थाई पूछी जाएगी टेम्पररी हार्डनेस पूछी जाएगी तो वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है ठीक है अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है तब तो वो टेम्परे है लेकिन अगर उसके अंदर क्लोराइड है लेकिन अगर उसके अंदर क्लोराइड है तो फिर वो परमानेंट हो जाएगी ठीक है परमानेंट हार्डनेस दी है, हाँ ये देखो अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं क्लोराइड या सल्फेट हैं फिर तो परमानेंट हार्डनेस है आप उसमें से उस नमक को अलग नहीं कर पाओगे आप उसको नमक से अलग मैम सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनवा दीजिए ताकि प्रीवियस लेक्चर ठीक से देख पाऊंगा ठीक है समसी। ठीक है नोटेड परवेज मैम टेन की क्लास करेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे चौबीस घंटे में से दस घंटे की क्लास करो बाकी चौदह घंटे में क्या करोगे दुर्गा कोशिश तो यही है कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है पर हो नहीं पाएगा क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों है ना नॉन मेटल शाम को करवाऊंगी बची हुई क्लास आज ही मेटल नॉन मेटल कंप्लीट करा दूंगी फिर शाम को करवाऊंगी बचा हुआ ठीक है तो देखिए टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से होती है टेम्प्रेरी हार्डनेस जो है वो अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो वो टेम्प्री हार्डनेस से आप उसे हटा सकते हो कैसे हटाओगे या तो बॉइल कर दो बॉइल करते ही क्या होगा अभी बताया था ना जैसे ही मैं उसको उबालूंगी तो उबालते ही क्या होता है उबालते ही क्या होता है बर्तन पे सारा नमक चिपक जाता है तो या तो उसे उबाल दो वो नमक अलग हो जाएगा पानी अलग हो जाएगा तब भी अलग नहीं हो रहा तो फिर एक क्लार्क मेथड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बस इनके नाम याद रख लो या फिर एक क्लार्क मेथड होता है उससे आप अलग कर सकते हो और अगर परमानेंट हार्डनेस है वो तो फिर क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से होती है उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है उसके लिए आपको केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो फिजिकली ऐसे रिमूव नहीं होगी वो फिजिकली ऐसे रिमूव नहीं होगी आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है बहुत ही ज्यादा केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे कि या तो उसे वॉशिंग सोडा के साथ मिलाओ तब आप उसमें से अलग कर सकते हो पर वो भी इतना आसान मेथड नहीं होता या कालगंज मेथड का इस्तेमाल किया जाता है आयन इनके ऊपर नहीं भी ध्यान दोगे तो चलेगा इनके ऊपर अगर आप नहीं भी ध्यान देंगे तो चलेगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है सॉफ्ट वाटर क्या होता है सॉफ्ट वाटर वो है जिसमें नमक कम होता है जैसे आपका जो बारिश का पानी है वो ऑलमोस्ट प्योर वाटर नमक की टर्म्स में बोला जाता है अदरवाइज आजकल पॉल्यूशन इतना है कि वो अम्लीय वर्षा हो चुकी है नमक तो नहीं है लेकिन उसके अंदर अम्ल पूरा है उसके अंदर एसिड पूरा पूरा है, ठीक है दे आर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सोल्ट एंड सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्यूबल सॉल्ट नहीं होते ठीक है चलिए तो ये सारा किसके बारे में था ये सारा था आपके हाइड्रोजन के बारे में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए नहीं तो फिर हम मेटल शुरू करें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए अदरवाइज हम मेटल्स शुरू करेंगे ये तो मुझे ही आप लोगों से पूछना है हो गया चलिए अगली क्लास आप लोगों की मेटेलॉइड मीन्स उपधातु होता है ना मैम नहीं मेटालॉइड मतलब अर्ध धातु होता है दुर्गा मेटेलॉइड मतलब अर्धधातु अनुप्रकाश पूछ रहे हैं सेकंड क्लास कितने बजे होगी शाम को पांच बजे होगी शाम को पांच बजे होगी ठीक है शाम को सीएस की भी क्लास होती है तो कोई सी एक रिकॉर्डेड देख लीजिएगा चाहे मंजीत सर की चाहे मेरी अब देखो मेटल्स की अगर बात की जाए तो देखो पहली चीज तो ये कि मैम कैसे याद रखें आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल आपसे पूछ लिया जाता है पांच बजे की क्लास के लिए ईवीएस की भी क्लास है ठीक है मैं कौशलेंद्र सर से बात कर लूंगी और मंजीत सर से भी बात कर लूंगी ठीक है कौशलेंद्र सर और मंजीत सर दोनों से मैं बात कर लूंगी चलिए अगला देखिए मेटल पहली बात तो ये है कि मैम अगर एग्जाम में आता है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है तो देखो एक तो सबसे आसान तरीका जो मैं मतलब बहुत ही लेमैन वाला तरीका है इसका कीबोर्ड बोर्ड गया पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल मेरी बात नहीं मान रहा ये छोड़ो तो मुझे पीरियोडिक टेबल ही दिखाना है ना तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से दिखा दूंगी हम्म 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 देखे ये आपका पीरियोडिक टेबल ठीक है अब इसमें आप देख सकते हैं जितने भी आपके लेफ्ट साइड पे हैं वो सारे मेटल्स हैं बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये सारे जितने भी है ना ये सारे जितने भी आपको पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है ये आपके मेटल्स हैं और ये इधर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं ठीक है और बीच में जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है आपके मेटलॉइड्स हैं वो क्या है आपके मेटलॉइड्स हैं तो देखो अगर मैं एक आसान सा तरीका आप लोगों को बताऊ ना मेटल और नॉन मेटल याद करने का ये कोई पुष्ट पक्का तरीका नहीं है पर हाँ आप काफी जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट में यूएम आता हो यानी कि यम आता हो जिसके लास्ट में यूएम यानी कि यम आता हो वो मेटल होगा ठीक है जैसे आपका प्रोटियम ड्यूटेरियम जितने भी आप कोई से भी देख लो ठीक है क्रोमियम मैग्नीशियम और रूबीडियम ये जितने भी हैं आप लोगों के okay? जिसके भी लास्ट में यम आएगा वो क्या है वो तो मेटल है और जिसके लास्ट में एन आता है ज्यादातर वो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोरॉन कार्बन सिलिकन जिसके भी लास्ट में एन आ रहा है न आ रहा है ठीक है देखो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है फ्लोरीन, न उसके बाद सिलिकॉन न फॉस्फोरस एक अलग हो गया थोड़ा सा अलग है सिलिकॉन न क्लोरीन न तो जिसके भी लास्ट में न आता है वो ज्यादातर आपका क्या होगा वो आपका होता है क्या नॉन मेटल तो इस तरीके से थोड़ा अभी क्योंकि टाइम कम है रफली इस तरीके से याद कर सकते हैं रफली आप इस तरीके से याद कर सकते हो निबंध कैसे होगा ठीक है तो ये सारे क्या है आपके मेटल्स है तो मेटल्स से अभी तक हमने एक ही चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पूरे आवर्त सारिणी में या जितने भी हमारे तत्व मौजूद है एक उनमें अगर मेटल्स की संख्या देखी जाए कि कितनी है तो आपने कितनी बताई थी नाइन्टी यानी कि की नब्बे से एक ज्यादा जनरली मेटल्स किसे कहा जाता है अगर आप ऐसा कहो कि मैम जो चमकीले होते हैं जो ठोकने बजाने पे आ, साउंड प्रोड्यूस करें यानी कि जिनमें से ध्वनि उत्पन्न हो या जो एक वो वो होता है ना तन्य है डक्टाइल है मेलिएबल है आघात है ये सब तो प्रॉपर्टीज होती है ये सब उसके गुण हैं। अगर उसके डेफिनेशन पे जाओगे परिभाषा पे जाओगे तो परिभाषा ये कहती है कि पूरे आवर्त सारिणी में 118 तो तत्वों में से वो तत्व जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे उनके अंदर से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा सारी नेगेटिविटी अगर मेरे अंदर से निकल गई तो मैं तो पॉजिटिव इंसान हो गई ऐसा ही एलिमेंट्स के साथ भी अगर उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो खुद क्या हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है तो ऐसे एलिमेंट ऐसे तत्व जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे और खुद पॉजिटिव हो जाए धनावेश हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है मेटल्स यानी कि धातु देखिए यहाँ क्या लिखा है एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटाइन को क्या कहा जाता है मेटल कहा जाता है तो इलेक्ट्रॉन को देने के बाद जो धनावेश हो जाए यानी कि जिनके ऊपर धनात्मक चार्ज आ जाए उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है आपके मेटल्स अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है देखिए इनके हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल्स के कुछ गुण पढ़े जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती हैं वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं देखिए आपसे कहा जाता है आपसे कहा जाता है कि आ, जो आपके मेटल्स हैं जो आपके मेटल्स हैं अगर इनके गुणों की बात करोगे अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो सबसे पहला गुण जो हमारे पास होता है वो क्या होता है सबसे पहला पहचानने का तरीका तो यही है कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं है ना दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जितने भी ये मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं ये लस्चरस होते हैं लस्चरस का मतलब क्या है ये शाइनिंग होते हैं यानी कि चमकीले होते हैं चमकीले होते हैं तीसरी प्रॉपर्टी मुझे बताइए आप लोग बताइए और क्या पता है आप लोगों को तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है ये कैसे होते हैं ये लस्चरस होते हैं चमकीले होते हैं है ना और ये क्या होते हैं ये मैलिएबल होते हैं यानी कि इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ये कैसे है? ये हैं ये आघात वर्धीय हैं आघात का मतलब होता है चोट मारना और वर्धीय वर्ध का मतलब क्या होता है वर्धी का मतलब क्या होता है बढ़ना ये कैसे होते हैं आघात वर्धीय होते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है ये डक्टाइल हैं यानी कि आप इन्हें पतली पतली तार में कन्वर्ट कर सकते हैं इनकी ये, है ये तन्मे होते हैं या होते हैं तनमे या तन्य कह सकते हो ये कैसे होते हैं ये तनमय होते हैं तन्य होते हैं डक्टाइल होते हैं ठीक है ठीके? और क्या पता है आपको इनके बारे में ये कैसे होते हैं ये सोनोरस होते हैं है? ये कैसे हैं ये सोनोरस हैं यानी कि ध्वनिक होते हैं अगर इन्हें पीटोगे तो इनमें से क्या निकलती है साउंड निकलती है वेरी गुड अगर आप इन्हें पीटेंगे तो इनमें से क्या निकलती है इनमें से साउंड निकलती है ठीक है रवि कह रहे हैं ऊष्मा के संचालक होते हैं हाँ कुमार कह रहे हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई डेंसिटी होती है वेरी गुड छठी प्रॉपर्टी क्या है दे आर गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं यह क्या है विद्युत और ऊष्मा विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हैं, है ना फिर आपने क्या बताया इनकी हाई डेंसिटी होती है इनका घनत्व ज्यादा होता है हाई डेंसिटी है अधिक घनत्व है कुछ भी लिखिएगा मत ये सब पीडीएफ में दिया हुआ है कुछ भी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा ये सब लिखा हुआ है पीडीएफ में अवेलेबल है ठीक है फिर क्या बताया था आपने इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है उच्च गलांक बिंदु है उच्च गलांक बिंदु है ठीक है अब क्या आप लोगों को वाकई में लगता है मैम ये एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं आपका क्या है एमसीए ठीक है? अब आपको क्या लगता है आप लोगों से इस टाइप की चीजें पूछी जाएंगी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी है अभी हमने जितनी भी देखी है ना ये सब इसके भौतिक गुण थे तो मेटल के दो प्रकार के गुण होते हैं एक भौतिक गुण होते हैं और एक रासायनिक गुण होते हैं अभी हम भौतिक गुणों के बारे में बात कर रहे हैं जो हम देख सकते हैं या छू के महसूस कर सकते हैं जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है या छू के बता दोगे क्योंकि वो गर्म हो जाएगा इसका मतलब वो क्या है वो सुचालक है आपको करंट लग रहा है तो आप बता दोगे कि ये विद्युत का भी सुचालक है ये इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है तो ऐसी चीज जो आप महसूस कर सकते हो जो फाइव सेंसेस पढ़े थे ना हमने छोटी क्लास में फाइव सेंस ऑर्गन पढ़े थे वो उन फाइव सेंस ऑर्गन से आप जो भी चीज महसूस कर सकते हो वो सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है अब आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों से एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि मेटल्स क्या है वो सॉलिड होते हैं सोनोरस होते हैं मेलिएबल है डक्टाइल है ध्वनिक है तन्य है आघात वर्दीय है ठोस है उच्च गलांक बिंदु है उच्च घनत्व है ये सब चीजें आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएंगी आपसे पूछे जाएंगे इनके अपवाद यानी कि इनके एक्सेप्शन आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा आपसे पूछे जाएंगे इनके अपवाद यानी कि इनके एक्सेप्शन जैसे अगर मैं बात करूं जितने भी मेटल हैं वो सभी सॉलिड होते हैं जितने भी मेटल होते हैं वो सभी सॉलिड होते हैं लेकिन अगर मैं इसका एक्सेप्शन देखूं तो यहां आप बता देंगे एक्सेप्ट दिली से बताइए पता है किसी को एक्सेप्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सेप्ट मरकुरी पारा एक्सेप्ट मरकुरी यानी कि पारा ठीक है देखो इनके मैं आप लोगों को सिंबल्स याद करने के लिए भी कहूंगी क्योंकि अब एग्जाम में ऐसा खेल जाते हैं क्योंकि देखो लिमिटेड चीज है क्वेश्चन कब से पूछे जा रहे हैं यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं तो क्वेश्चन वही है ऑप्शन देने का तरीका अलग हो गया पहले क्या होता था पहले मरकरी ब्रोमियम क्रोमियम क्लोरीन ऐसे दे देते -दे, थे दे, अब नाम ना देके सिंबल दे, दे देंगे तो मरकरी यानी कि पारा का सिंबल क्या होता है एच जी और ये आपका लिक्विड स्टेट में ये सॉलिड ना होके ये किस अवस्था में पाया जाता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा आपको बता देंगे कि सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं लेकिन आपसे पूछेंगे निम्न में से ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है या ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है आप क्या बता देंगे मरकरी यानी कि पारा जिसका सिंबल क्या है एच जी अगला क्या है ये लस्चरस होते हैं यानी कि इनमें अपनी खुद की एक चमक होती है लेकिन अगर आप इसका भी एक्सेप्शन देखेंगे यानी कि इसका भी अपवाद देखेंगे तो इसका अपवाद आपका क्या हो जाएगा इसका अपवाद होगा सोडियम और पोटेशियम सोडियम यानी कि एन एंड पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम ये दोनों क्या है ये दोनों इसके अपवाद हैं सोडियम और पोटेशियम ये दोनों इसके क्या है ये दोनों इसके अपवाद हैं ठीक है पोटेशियम का सिंबल होता है के सोडियम का सिंबल होता है एने ठीक है अच्छा ठोस में एक और चीज आ जाती है ठोस होने की वजह से बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा चलो बाद में बात करेंगे अगला ये क्या ये मैलियेबल है ये मैलिएबल है मैलिएबल का मतलब क्या होता है जिसे आप पीट पीट के पतली पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हो आपने देखा है सिल्वर फॉइल्स आती है चांदी की वो पन्नी सी आती है जिनमें हम स्कूल में रोटियां लपेट के ले जाते थे हालांकि अब वो 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 मना मना की की जाती जाती है है क्योंकि वो चांदी की नहीं होती इतनी चांदी की पन्नी आपको मिलेगी रोटी ले जाने के लिए वो सब अल्मोनियम की होती है अल्मोनियम नुकसान करता है अल्मोनियम इज अ कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है जो कैंसर करे तो अगर आपके घर में अल्मोनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं तो बिग नो नो सारे अल्मोनियम के बर्तन फिर चाहे वो कुकर हो वो चाय बनाने वाला पैन हो सब हटा दीजिए अल्मोनियम बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक। है केवल के स्टील के बर्तन में खाना बनाइए जलता है फुकता है तो जल्दबाजी मत दिखाओ तेज आँच पे खाना मत बनाओ मंदी आँच पे खाना बनाओ ठीक है तो चलिए तो जितने धातुओं को क्या किया जा सकता है जैसे वो अल्मोनियम की फॉइल होती है ना या आपने देखा होगा वो तो फिर भी मोटी फॉइल है आपने वो देखा है बर्फी जो आती है काजू कतली या कई सारी मिठाइया आती हैं जिनके ऊपर चांदी की परत लगी हुई होती है अगेन वो चांदी की नहीं है वो सब अल्मोनिया में सब अलमोनिया में तो वो जो वो चांदी की परत लगी हुई होती है तो कितनी पतली चादर में आपने उसे कन्वर्ट कर दिया गोल्ड की ऐसी सोने की पतली पतली चादर में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो तो इनको क्या किया जाता है इनको आप बहुत ही पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि सभी धातुओं को अगर चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है तो बताओ सबसे पतली चादर किसकी बनाई जा सकती है यानी कि मोस्ट मैलिएबल कौन सा मेटल है मोस्ट मैलिएबल यानी कि सबसे यानी कि सबसे अधिक सबसे अधिक आघातवर्ये कौन सा है तो आप क्या बता देंगे सोना यानी कि गोल्ड और गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा सबसे ज्यादा पतली चादर में किसे कन्वर्ट किया जा सकता है तो आप क्या बता देंगे गोल्ड ठीक है अगली प्रॉपर्टी क्या अगली है अगली प्रॉपर्टी है इट इज डक्टाइल यानी कि ये तन्य होते हैं इन्हें पतली पतली वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इन्हें पतली पतली वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता जा सकता है अगेन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट डक्टाइल यानी कि सबसे अधिक तन्य कौन सा धातु है क्या बताएंगे बताइए सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है वेरी गुड सबसे अधिक तन्ने में भी क्या हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा सबसे अधिक तन्ने में भी क्या होगा गोल्ड एयू ठीक है एक ग्राम गोल्ड से एक ग्राम गोल्ड से आप दो किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं एक ग्राम गोल्ड से एक ग्राम देख रहे हो कितना सा होता है तो एक ग्राम सोने से आप कितनी लंबी वायर बना सकते हैं दो किलोमीटर या कह सकते हो दो हजार मीटर दो हजार मीटर इतनी लंबी वायर बनाई जा सकती है ठीक है इतनी ज्यादा लंबी वायर बनाई जा सकती है अगला क्वेश्चन क्या है कि मेटल्स जो है वो क्या होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक है ये विद्युत और ऊष्मा के क्या है सुचा अच्छा सोनोरस रह गया ये सभी क्या करते हैं ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं ये सभी क्या करते हैं ध्वनि उत्पन्न करते हैं इसका भी अगर अपवाद पूछा जाएगा इसका भी अगर अपवाद पूछा जाएगा तो आप बता देंगे देखो मरकरी तो लिक्विड था द्रव अवस्था में था तो क्या उसे पीट के उसमें से पानी में आवाज आएगी नहीं आएगी तो एक तो हो गया आपका मरकरी सोडियम भी इतना सॉफ्ट होता है कि उसे आप चाकू से काट सकते हो उसमें से भी आवाज नहीं आती पोटेशियम में से भी नहीं आती ठीक है अब ये जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं विद्युत और ऊष्मा के क्या है सुचालक हैं, ठीक है थेके? अब आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि अगर ये सब सुचालक हैं, तो इनमें से बता दीजिए सबसे अच्छा सुचालक कौन है बेस्ट कंडक्टर कौन है तो बताइए सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है बेस्ट कंडक्टर वेरी गुड अब आप बताएंगे चांदी ए जी चांदी ठीक है उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि बताइए सेकंड नंबर पे कौन है चांदी के बाद सेकंड नंबर पे कौन है तो आप बता देंगे क्या है कॉपर यानी कि तांबा इसीलिए वायरिंग में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है जब लंबी लंबी तारे खींची जाती है ना तो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि चांदी तो बहुत ही महंगी चीज हो जाएगी इतने में तो तुम्हारा घर नहीं बनेगा जितने में घर की वायरिंग होगी है ना तो एक्सपेंसिव होने की वजह से चांदी का इस्तेमाल नहीं करते फिर हम दूसरा बेस्ट ढूंढ लेते हैं और वो कौन सा है आपका कॉपर है ठीक है अगर कोई बेस्ट है सबसे अच्छा है, अगर कोई क्लास में फर्स्ट आने वाला है तो कोई क्लास में फेल होने वाला भी है यानी कि सबसे बुरा भी कोई होता है तो अगर पुअर कंडक्टर पूछा जाएगा पुअर कंडक्टर पूछा जाएगा सबसे बेकार कंडक्टर कौन सा है तो बेकार कंडक्टर कौन सा हो जाएगा अगेन आपका मरकुरी यानी कि पारा एच जी क्या हो जाएगा आपका पारा यानी कि एच जी ठीक है फिर बात करते हैं हम किसकी डेंसिटी की इसकी डेंसिटी कैसी होती है बहुत ही ज्यादा होती है सभी की बहुत ज्यादा होती है एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सा आपका सोडियम और इतनी कम डेंसिटी है इसके बहुत कम होने की वजह से दूर-दूर होते हैं और ऐसा कहा जाता है ये सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट मेटल है सबसे ज्यादा मुलायम है सबसे ज्यादा मुलायम धातु है इतनी मुलायम धातु है कि इसे आसानी आसानी से चाकू से काट सकते हो चाकू से काट सकते हो यानी कि इट कैन बी इजीली कट विद नाइफ इट कैन बी इजीली कट विद नाइफ ठीक है और अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंसिटी सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होती है मैक्सिमम डेंसिटी या कह सकते हो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा वो हैवी होगा तो मैक्सिमम डेंसिटी या सबसे भारी मेटल कौन सा है तो आप कौन सा बता देंगे ओस्मियम कौन सा बताएंगे ओस्मियम सबसे ज्यादा घनत्व वाला या सबसे भारी मेटल अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे ओस्मियम ठीक है राजीव बस छोड़ रहे हैं थोड़ी देर में छोड़ देंगे ठीक है थोड़ी देर में छोड़ देंगे पांच मिनट और बस ये कंप्लीट हो जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर छोड़ रहे हो अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा जब मेटल पूछा है तो आपने ओस्मियम बता दिया लेकिन अगर उन्होंने पूछा होता लेकिन अगर उन्होंने पूछा होता कि हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है तो क्या बताते सबसे भारी तत्व अगर पूछा होता तो क्या बताते सबसे भारी तत्व अगर पूछते तो आप क्या बताते फिर आप बताते यूरेनियम फिर आप क्या बता देते यूरेनियम ठीक है चलिए देखिए तो ये सारी चीज आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी कि सभी मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं सभी धातु जो है, वो रूम टेम्परेचर पे ठोस होते हैं मरकरी को छोड़ के सभी के पास अपनी चमक होती है पोटेशियम और सोडियम को छोड़ के सारे मेलिएबल हैं यानी कि आघात वर्दीय है सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन सा है गोल्ड है ठीक है सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है सबसे ज्यादा तन्य कौन सा है फिर से आप बता दोगे कौन सा है गोल्ड है और एक ग्राम गोल्ड से आप दो किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं मेटल पीटने पे बजाने पे ध्वनि उत्पन्न करते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम और मरकरी ये क्या है ये सुचालक होते हैं सबसे अच्छा सुचालक आपका सिल्वर यानी कि चांदी और कॉपर है और सबसे बेकार आपका मरकरी है ठीक है इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इसका अपवाद सोडियम और पोटेशियम है जिसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं ओस्मियम सबसे डेंस यानी कि हेवीएस्ट मेटल है मेटल पूछेंगे तो ओस्मियम बताएंगे एलिमेंट पूछेंगे तो यूरेनियम बताएंगे एलिमेंट पूछेंगे तो यूरेनियम बताएंगे ठीक है इनका गलांक बिंदु बहुत ही ज्यादा होता है अब सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो टंगस्टन का बताओगे इसका सिंबल जरूर याद रखिएगा इसका सिंबल जरूर याद रखिएगा कितना होता है डब्लू सिंबल क्या होता है इनका डब्लू और बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इसे बल्ब के फिलामेंट में भी यूज करते हैं ठीक है सबसे कम होता है किसका मर्करी का और ये मर्करी थर्मोमीटर की खोज किसने की थी डैनियल फेरनहाइट ने और क्लिनिकल थर्मोमीटर की, की थी सर थॉमस क्लिफोर्ड ने ठीक है अब शाम को पांच बजे आप लोगों की क्लास होगी दोबारा बता रही हूं शाम को पांच बजे आप लोगों की क्लास होगी जिसके अंदर हम सारी ये केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे ठीक है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट मेटल्स होंगे और उसके बाद फिर हम नॉन मेटल करेंगे ठीक है उसके बाद फिर हम नॉन मेटल्स करेंगे तो शाम को पांच से छह में आप लोगों की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग देख सकते हैं ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये सब पूछा जाता है ठीक है ये सारी चीजें कार्बन के एलोट्रोप्स ग्रेफाइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल अलग अलग कार्बन इनकी प्योरिटी इनसे पूछे गए समान ये ग्रेफाइट से क्वेश्चन आते हैं ठीक है ग्रेफीन ब्लैक लैंप चारकोल ये अलग अलग टाइप के आपके कार्बन कोल कोयले की वेराइटीज होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे तो शाम को पांच से ठीक है शाम को पांच से छ में आपकी क्लास होगी उसे करते हैं ठीक है चलिए बाकी और एमसीक्यूज की अगर प्रैक्टिस करनी है तो 6 बजे छह से सात आप लोगों की वाई पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी वहां कर सकते हो ठीक है वहां बात कर सकते हो चलिए तब तक के लिए आप सब लोगों से अलविदा लेना चाहूंगी धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया पीछे जो क्लासेस नहीं हो पाई है उसके लिए बहुत बहुत है आगे आप लोगों की क्लास चलती रहेगी ध्यान लगा के पढ़ते रहिए ठीक है धन्यवाद दोस्तों हाँ मुकेश पांच बजे भी क्लास है पांच बजे आज तो क्लास होगी ही आज पांच बजे क्लास होगी ही होगी ठीक है आज पांच बजे क्लास होगी मैम आयरन में जंग लगने से वेट डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है पटना पब्लिक स्कूल डिक्रीज होगा ठीक है YouTube पे बायोलॉजी नहीं होती क्या परवेज वहां पे पीवाई करा रही हूँ यहाँ पे पांच बजे से बायोलॉजी शुरू करूंगी कल से कल से सुबह में आपकी केमिस्ट्री होगी और शाम को आपकी बायोलॉजी होगी ठीक है ओस्मियम समझाइए ओस्मियम कुछ भी नहीं है अगर सबसे भारी धातु पूछा जाएगा सबसे भारी धातु अगर पूछेंगे तो आपको ओस्मियम बताना है ठीक है पांच बजे ज्योग्राफी की भी क्लास है अब फिलहाल आज तो आप किसी एक की लाइव अटेंड कर पाओगे फिर मैं शेड्यूल में देख लूंगी रिशेड्यूलिंग कर लेंगे ठीक है लेकिन आज पांच बजे आप लोगों की क्लास होगी आज पांच बजे क्लास होगी हाँ दुर्गा यूरेनियम भारी है ठीक है निखत में बात कर लूंगी ठीक है निखत में बात कर लूंगी हाँ दुर्गा यूरेनियम भारी है यूरेनियम सबसे भारी तत्व है ठीक है 118 तत्वों में से अगर सबसे भारी तत्व पूछा जाएगा तो यूरेनियम है लेकिन उनयानवे धातुओं में से सबसे भारी धातु पूछा जाएगा तो ओस्मियम बताओगे मैम आपने लिखा है आर्सनिक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हाँ तो इन अर्थ इट इज अर्थ क्रस्ट मैम की होल अर्थ होल अर्थ एक बार बता दीजिए टीम को उनका क्लास रात को कर देंगे ठीक है विभा देख लेते हैं बात करते हैं कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करेंगे कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करेंगे सर uh, साइंस के लिए इतना टाइम देंगे तो बाकी सब्जेक्ट कैसे करेंगे साइंस के लिए आपको टाइम इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि पीछे आप लोग टाइम नहीं दिए हो मतलब मैंने टाइम नहीं दिया आप लोगों का टाइम छूट गया है इसलिए अभी फिलहाल आप लोगों को साइंस की क्लास इतनी करनी पड़ रही है वरना रेगुलर एक एक घंटे की ही होगी ठीक है वरना रेगुलर एक एक घंटे की होगी रही बात पीडीएफ की तो पीडीएफ पिछली क्लास की भी और इस क्लास की भी मैंने जहाँ आप लोग मैसेज कर रहे हैं वहीं पे सबसे ऊपर अवेलेबल करवा दी है ठीक है नहीं किरण मैं बताऊंगी कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्योंकि आयरन का ऑक्साइड बढ़ गया है तो उसका वजन बढ़ गया पर वो आयरन ऑक्साइड जुड़ा तो नहीं रहता है ना बताया जाएगा अगर वजन बढ़ जाता तो कबाड़ी वाला उसे कम रेट में क्यों ले जाता ठीक है पूनम थ्री आवर्स तक बस आपका एक हफ्ते चलेगा एक हफ्ते तक चलेगा अभिषेक एमसीक्यू इसके हम कर रहे हैं आप छे बजे वाईटी वाली क्लास देख लो बाकी मैं यहाँ पे भी करवाती हूँ पर यहाँ पे ज्यादा नहीं करवा सकती हर क्लास में मैंने एमसीक्यू करवाए हैं बाकी बच्चों से पूछ लीजिए पर यहाँ पे देखो इतने साथ साथ पचास पचास एमसीक्यू नहीं हो सकते पंद्रह बीस पच्चीस इतने पे ही लिमिटेड है ज्यादा कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे देख लो अभिषेक YouTube पे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं पीवाई क्यूज पूरे थ्योरी डिस्कशन के साथ वहां चालीस पचास क्वेश्चन होंगे आपके वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं छह से सात एक घंटे में एक घंटे भी नहीं पचास मिनट की क्लास होती है पेड बैच में थ्योरी मिल रही है निखत YouTube वालों को पूरी थ्योरी नहीं मिल रही है मुन्ना कुमार को पीवाई क्यूज भी यही करने है थ्योरी भी यही करनी है और सिलेबस भी कम टाइम के अंदर खत्म करना है हाँ कल्पना अभिषेक यूट्यूब का कोई लिंक नहीं है यूट्यूब के लिए आपको केवल क्या करना है पर इसमें तो वही नहीं आ रहा बिहार अड्डा शालिनी मैम यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा बिहार अड्डा शालिनी मैम वो अपने आप आ जाएगा ठीक है चलिए और किसी को कोई भी डाउट हो तुम्हारे लगभग मैंने सारे डाउट्स भी ले लिए आज बाकी शाम को साइंस का केमिस्ट्री का ही चैप्टर पूरा कर लेंगे हम ठीक है मैम प्रॉब्लम में थे इसलिए पांच स्टार दे देना अच्छा रेटिंग के लिए कह रहे हो वो देखो आप लोगों की मर्जी है मैं जबरदस्ती तो कहूंगी नहीं जैसे ही क्लास ऑफ होगी जैसे ही क्लास ऑफ होगी तो आप लोगों को एकदम से रेटिंग के लिए फीडबैक आएगा आप लोगों की मर्जी अगर आप लोगों को लगता है कि कंटेंट अच्छा है पढ़ाया अच्छा है याद करवाया है यहाँ समझाया है तो फाइव सबसे अच्छी रेटिंग होती है फाइव रेटिंग दे सकते हो लोवेस्ट वन है और रही बात इेगुलरिटी की तो वो मैंने बताया दोनों ही चीजें मेरे हाथ में नहीं थी ना तो मेरी तबियत मेरे हाँ थी और ना घर में में डेथ घर हाथ हाथ मेरे हाँ में थी ठीक है चलिए तो आज आप लोगों से मैम ऐसे ही हम सबसे थोड़ा थोड़ा बात कर लिया कीजिए ठीक है दुर्गा ठीक है चलिए तो आज यहीं पे अलविदा लेती हूँ शाम को पांच बजे मिलेंगे पढ़ लो थोड़ी सी मेहनत कर लो वही वाली बात आ गई अभी तुमसे कहा था ना अभी पसीना बहा लो ताकि बाद में खून ना बहाना पड़े ठीक है ऑल द बेस्ट गुड लक चलिए